अभी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे लिव वर्क एंड स्टडी इन डेनमार्क। ये लास्ट टाइम भी अली ने दिया था लेक्चर, ही क्वाइट गुड स्पीकर। और अब इस बार भी ये लेक्चर देंगे। और अभी ये पाकिस्तान पहुँचे हैं और हमने इनसे उस वक्त कहा जब ये बिल्कुल पाकिस्तान पहुँचे तो थैंक्स करना चाहेंगे कि बिल्कुल इन्होंने उस टाइम पे आप लोगों के लिए बकायदा टाइम निकाला। जी अली, जी अली, जी अली, आवाज आ रही है? हाँ, जी आ रही है मुझे। हमें अभी मैं आप स्टार्ट करूँ आप? बस ये 3 मिनट के अंदर। अच्छा तो अभी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ये 3 मिनट के अंदर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और ये अली अहमद देंगे, लास्ट टाइम भी लेक्चर दिया था, काफ़ी यूजफुल था। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी लेक्चर के लिए इसके, तो हमने दोबारा इनसे कहा। और अभी आप ये लेक्चर देखेंगे। और अली, मेरे ख्याल में वीडियो आप अपनी ऑफ कर दें, मेरे ख्याल में इट विल बी बेटर। अच्छा हाँ, अब ठीक है। अच्छा, आप बोलिए, सारों को आवाज़ आ रही है, ताकि हम टेस्ट कर लेंगे। सारों को आवाज़ आ रही है, आप बोलिए गाली, आप बोलिएगा सिर्फ। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर क्लियर आ रही है तो आप टाइप कर दें। जी, मेरा ख्याल है आवाज आ रही है सबको। 2 मिनट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, बस हो जाए ताकि। तो अभी आज और भी लेक्चर हैं इनके, इनके बाद आप शेड्यूल देख सकते हैं, उस पे जो हमारा इवेंट दिया हुआ है उसके ऊपर देख सकते हैं। अभी इनके बाद जो लेक्चर है उन्नीस अभी स्टार्टिंग योर ऑन बिजनेस प्लान, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। और इसके बाद फिर स्टार्टिंग इन जर्नी बारिश का लेक्चर होगा। और फिर उसके बाद मोइस के, अब्दुल मोइस स्टडी अपॉर्चुनिटीज यूएस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसका मिस नायाब का है लेक्चर, व्हाई आई वांट टू स्टडी अब्रॉड। फिर लिटरेचर रिव्यू। ये आप सारे लेक्चर अटेंड करें, और काइंडली ये जो हमारे लिंक्स हैं ये अभी भेजें आप, जो 1 मिनट के अंदर अंदर पेस्ट करें, जो आपकी कम्युनिटीज हैं, दोस्तों की, पाकिस्तानी की जो है, उस सारों कीजिए। ये जो लिंक है खर इस लेक्चर का या जो नेक्स्ट लेक्चर आए। जी अली, अब मेरा ख्याल है आप स्टार्ट कीजिए। अब मैं चाहूँगा कि अली स्टार्ट करें लेक्चर। ठीक है अली, अब आप। जी ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। थोड़ा सा आगे जाके अपना इंट्रोडक्शन भी करवाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच के। तो आज जो हम ये लेक्चर करने लगे हैं, ये लिव वर्क एंड स्टडी इन डेनमार्क के टाइटल के साथ है। मेजर फोकस तो स्टडीज पर होगा, लेकिन क्योंकि उसके साथ कुछ इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि वर्किंग के हवाले से हैं और कुछ लिविंग के हवाले से हैं, और लिविंग आफ्टर ग्रेजुएशन के बारे में भी कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो इसलिए फिर उसका जो टाइटल मैंने बनाया वो लिव वर्क एंड स्टडी इन डेनमार्क है। और जो डेनिश गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट है एजुकेशन इन डेनमार्क के बारे में, उनका भी यही मोटो है जिस पे वो वेबसाइट बनी हुई है। तो यही टाइटल मैंने इस लेक्चर के लिए चूज किया है। जो हमारे यहाँ जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो होंगे व्हाई डेनमार्क, डेनमार्क को क्यों चूज किया जाए, स्टडी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करेंगे, और लिविंग एंड वर्किंग जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आज के लेक्चर में।
एजेंडा जो है उसमें जिस तरह मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में बताया, इसके साथ ही मैं आपको एग्जांपल के तौर पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क में कुछ एडमिशन के बारे में बताऊंगा, और ये भी वहाँ डेनमार्क की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी है। और इसको मैं क्यों चूज किया है एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है वहाँ एडमिशन लेने का और वहाँ स्टडीज का, तो उसको मैं ज्यादा अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। और कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज दूसरी यूनिवर्सिटीज की निस्बत ज्यादा भी हैं, वो क्यों ज्यादा हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और उसी तरह एक इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोग्राम है जो वहाँ पे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के टाइटल के साथ होता है, और कुछ इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो मेरा नाम अली है, अली अहमद, और मैं एमएससी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इनोवेशन एंड बिजनेस में मैथ्स क्लाउज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क से, और मैं स्टूडेंट एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क के लिए। इसी वजह से मैंने अब तक ये कुछ लेक्चर किए भी हैं, यहाँ पहुंचते ही कल परसों ही मैं पहुंचा हूँ, कल पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने इसी चीज पर लेक्चर दिया था, और आगे भी एक दो तीन यूनिवर्सिटीज में इसी टॉपिक पर लेक्चर होना है। और क्योंकि जो मेरा पाकिस्तान में विजिट है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही है इसी पर्पस के लिए। और मेरा जो पहले क्वालिफिकेशन वगैरह हैं वो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कुछ पार्ट टाइम जॉब वहां भी कर रहा हूँ, कुछ पहले यहाँ भी कर चुका हूँ, और कुछ एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में भी काम करने का 3-4 साल का। अच्छा, डेनमार्क को क्यों चूज किया जाए, डेनमार्क के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि डेनमार्क जो है वो एक स्कैंडिनेवियन वेलफेयर स्टेट है नॉर्दर्न यूरोप में, और बाल्टिक और नॉर्थ सी के किनारे पर वाक़ है, और हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है इसकी। पॉपुलेशन जो है डेनमार्क की वो 5.6 मिलियन है, और डेनमार्क के 443 आइलैंड्स हैं टोटल, जिसमें 76 आइलैंड्स पर पॉपुलेशन मौजूद है। पॉपुलेशन मतलब बहुत थोड़ी है डेनमार्क की, हमारे लाहौर की पॉपुलेशन 12 मिलियन है ऑलमोस्ट, तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 5.6 मिलियन है डेनमार्क की। कैपिटल ऑफ डेनमार्क जो है वो कोपेनहेगन है। डेनमार्क रैंक्स एज हैविंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सोशल मोबिलिटी, हाई लेवल ऑफ इनकम इक्वालिटी, दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम डेनमार्क की है, हाईएस्ट मिनिमम वेज डेनमार्क ऑफर करता है, तो मिनिमम वेज जो है डेनमार्क में वो 100 क्रोन्स पर आवर है, तो 100 क्रोन्स पर आवर से कम में ना तो कोई शख्स काम कर सकता है ना कोई करवा सकता, तो ये हाईएस्ट वेज है दुनिया में जो डेनमार्क में मौजूद है। और हैज अ थर्ड हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इन यूरोपियन यूनियन, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट इन यूरोप एट अबाउट 75%। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो डेनमार्क में बिजनेस करना दुनिया यूरोप में सबसे ज्यादा आसान है, वर्ल्ड लीस्ट करप्ट कंट्री और हैज वर्ल्ड लीस्ट क्राइम रेट। तो ये डेनमार्क की कुछ खसूसियात हैं जो उससे मुनफरद करती हैं बहुत से मुल्कों से। अच्छा, अब डेनमार्क का, अच्छा इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेनमार्क को हैप्पीएस्ट नेशन ऑन प्लेनेट अर्थ कहा जाता है, डेनिश लोगों को, डेनिश कौम को हैप्पीएस्ट नेशन, पिछले 3 साल से डेनिश पीपल आ रहे हैं इस रैंकिंग पर। अच्छा, डेनमार्क का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से है कि एक तो वहां पे जैसे हमारे यहाँ बैचलर डिग्री है पाकिस्तान में 4 ईयर्स डिग्री होती है, समटाइम्स 5 ईयर्स है, लेकिन ज्यादातर 4 ईयर डिग्री है। तो उसी तरह डेनमार्क में जो बैचलर डिग्री है वो नॉर्मली 3 ईयर्स है, समटाइम्स 4 ईयर्स है, और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, अपॉर्चुनिटीज टू अंडरटेक स्टडी पीरियड्स और इंटर्नशिप्स उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह फर्दर मास्टर डिग्री है जिसको हमारे यहाँ एमएससी इंजीनियरिंग या एमफिल या इस तरह के टाइटल्स के साथ करवाया जाता है। इसी तरह ये डिग्री वहां पर एमए एमएससी के टाइटल के साथ मौजूद है। थीसिस लास्टली पार्ट होता है इस क्वालिफिकेशन का जो कि तकरीबन हाफ ईयर एक सेमेस्टर पर मुश्तमिल है, और ये इसको स्टार्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो एक बैचलर डिग्री है, इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री होना चाहिए, तब आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री के बाद जो है 3 ईयर्स का पीएचडी प्रोग्राम है, और
जो है डेनमार्क में, वो थोड़े से डिफरेंट इस तरह से है कि वहां पर, और मेरा ख्याल है कि बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी इसी तरह है कि वहां आप पीएचडी को एज जॉब करते हैं, कि पीएचडी के दौरान आप एक परमानेंट एम्प्लॉय भी होते हैं यूनिवर्सिटी के, और जो मिनिमम वेज है वहां की वो ही वेज मिल रही होती है पीएचडी स्टूडेंट को, और साथ साथ आप पीएचडी भी कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत अच्छा स्टाइपेंड है जो पीएचडी के दौरान ऑफर होता है डेनमार्क में। अच्छा, अगर हम बात करें डेनमार्क में हायर एजुकेशन की, तो डेनमार्क में 500 प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में ऑफर किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स की। और उसके अलावा 8 यूनिवर्सिटीज हैं डेनमार्क में, जिसमें तकरीबन 100,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और ये तमाम जो 8 यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की बहुत अच्छी रैंकिंग्स में मौजूद हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छी हैं। और 12 यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कहलाते हैं, और तकरीबन इनमें 6,000 स्टूडेंट्स इनमें पढ़ते हैं। 18 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, और जिसमें स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस भी हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि ट्रेड इंस्टीट्यूट और टेक्निकल कॉलेजेस, इस टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। और फिर 17 अकेडमीज ऑफ प्रोफेशनल हायर एजुकेशन है विद अराउंड 18,000 स्टूडेंट्स। ये कुछ स्ट्रक्चर है हायर एजुकेशन का डेनमार्क में, और इसे आप कुछ देख सकते हैं कि डेनमार्क में आपको स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में डेनमार्क में मौजूद हैं, और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से आपको वहां पर स्टूडेंट्स मिलते हैं। डेनमार्क की जो 8 यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम ये हैं: कोपनहेगन बिजनेस स्कूल, आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन, रॉसकिल्डे यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, डीटीयू का नाम तो मशहूर है, दुनिया की बहुत अच्छी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में इसका नाम आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क, ऑलबर्ट यूनिवर्सिटी एंड आउस यूनिवर्सिटी। आउस यूनिवर्सिटी भी वर्ल्ड रैंकिंग में कुछ 40 नंबर पर है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क जो है ये उतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू कोपनहेगन बिजनेस स्कूल या डीटीयू या आहुस यूनिवर्सिटी, की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक नई यूनिवर्सिटी है, इसको बने हुए कुछ लगभग 15 ईयर्स हुए हैं, मतलब इतनी पुरानी तारीख नहीं है इस यूनिवर्सिटी की। लेकिन जो वर्ल्ड रैंकिंग में 50 यंग यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये टॉप 30 में शामिल है, और हर साल इसकी जो रैंकिंग है वो 4-5 नंबर ऊपर आ रही है। तो इसलिए मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो खुद को इम्प्रूव कर रही है, अगर जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में वो कुछ 270 नंबर पर मौजूद है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स जो आपको डेनमार्क में मिलेंगे वो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हैं, नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, सोशल साइंसेज और बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो इन तमाम कैटेगरीज में, इन तमाम फैकल्टीज में आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स मिलेंगे डेनमार्क में जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे होंगे। जी अली, एक मिनट ठहरिए जी। अली, थोड़ी सी साउंड डिस्टॉर्शन है आपकी साइड से, बस माइक को ना जरा ज्यादा ना हिलाइएगा, बस इट्स फाइन। मेरे ख्याल में वो थोड़ा वो जो हेडफोन सेट है उसका मसला है। चले, मैं माइक को ना जरा जी मैं कोशिश करता हूँ सर, क्या करना। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क की अगर हम एग्जांपल लें, उस यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क की अगर हम बात करें, तो एसडीयू जो है यहाँ पर तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। ये डेनमार्क की आप कह सकते हैं कि बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके सबसे ज्यादा कैंपसेस हैं, 7 कैंपस हो चुके हैं अब इनके, पहले 6 थे, अब कोपनहेगन में भी ये कैंपस बन चुका है, तो 7 कैंपस हैं इनके, जिस वजह से ये डेनमार्क के सबसे बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, साउथ ऑफ डेनमार्क को, और जटलैंड, फियालैंड और सुनाबॉर्ग, कोपनहेगन, इन तमाम सिटीज में इनके कैंपसेस, एसबिया
और इन तमाम सिटीज में इनके कैंपसेस मौजूद हैं। 74 मास्टर प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, जिसमें से 37 प्रोग्राम्स हैं वो ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। ये कुछ कैंपसेस हैं एसबीयू के, जो ओडेंसे, कोलिंग, एसबीआर, सोनाबॉक, स्लेजेलसे और कोपेनहेगन में इनके कैंपसेस मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करें, जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं एसपीओ में, तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग, इनोवेशन एंड बिजनेस, रोबोट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, और फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के फर्दर दो कैटेगरीज हैं, स्पेशलाइजेशन हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, प्रोडक्ट डिजाइन। लेकिन प्रोडक्ट डिजाइन जो है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर ऑफर हो रही है, लेकिन ये एम एस सी इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि ये एम एस सी आई टी के टाइटल के साथ मौजूद है। अली थोड़ा सा स्लो बोले बस, मेरे ख्याल में थोड़ा स्लो बोले फिर बेहतर है। जी चले, मैं ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एम एस सी मैरिटाइम टेक्नोलॉजी की डिग्री भी मौजूद है। मैं जितना आगे आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, वो बेसिकली ज्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो इन्हीं प्रोग्राम्स के लिए होंगे, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो इनके अलावा भी मौजूद हैं। लेकिन जो स्कॉलरशिप्स मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, वो स्कॉलरशिप्स इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोग्राम्स में, जो एमएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम है इसके लिए होगा, और मैकेट्रॉनिक्स में जो एमएससी इंजीनियरिंग है वो स्कॉलरशिप्स इस पे भी अप्लाई होंगे। लेकिन तीन तरह के स्कॉलरशिप्स हैं। पहली जो कैटेगरी है वो तो आप तमाम यूनिवर्सिटी, जो 8 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उन तमाम पर अप्लाई होते हैं। लेकिन वो सिर्फ इन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए हैं, बाकी उनके लिए नहीं है। वो बाकी जो है आप उस यूनिवर्सिटी पर जाएंगे तो वहीं आपको उनकी कुछ डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड स्कॉलरशिप्स हैं। तो तीन तरह के स्कॉलरशिप्स मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्कॉलरशिप किस प्रोग्राम पर अप्लाई होता है। अली एक एक माइक थोड़ा सा दूर कर ले माउथ से, ना थोड़ा सा दूर कर ले थोड़ा सा। एक मिनट, मैं मेरे ख्याल है हेडफोन का माइक निकाल देता हूँ, दूसरे लैपटॉप का माइक चेक करता हूँ। हाँ ये कर ले, ये चेक कर ले माइक जी। अब ठीक है, एक मिनट इनसे पूछ लेते हैं। आप सबको अब बेहतर आ रही है अली? अब आपको आवाज बेहतर है, मैंने माइक चेंज किया है जी। मेरा ख्याल है कि आप बेहतर हैं। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो, कोई आप लोगों का हो जो मैं दरमियान में मिस कर चुका हूं, तो आप टाइप कर दीजिएगा तो लेक्चर टाइम पे, तो उसको हम कवर कर लेंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो स्कॉलरशिप्स मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में, वो स्कॉलरशिप्स मेनली जो है ये एमएससी इंजीनियरिंग इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोग्राम के लिए होंगे और एमएससी इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स के लिए, और जो दूसरे दो स्कॉलरशिप्स हैं वो इन तमाम प्रोग्राम्स पर अप्लाई होंगे। और जो पहली कैटेगरी होगी स्कॉलरशिप्स की, वो तमाम यूनिवर्सिटीज, जो 8 यूनिवर्सिटीज हैं, वो तमाम यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप्स को के अंडर आपको एडमिशन देती हैं। अच्छा, अगर हम ट्यूशन फीस को डिस्कस करें तो ऑब्वियसली जो यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई फीस नहीं है, डेनमार्क में उनके लिए तो फ्री है एजुकेशन, और जो ट्यूशन फीस है वो वैरी करती है तमाम फैकल्टीज में और तमाम प्रोग्राम्स में। अलबत्त जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनको फीस पे करना होती है, और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में जो फीस है तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज में वो 13,900 यूरो पर ईयर है।
एडमिशन के लिए आप किस तरह अप्लाई करेंगे? यहाँ पर डेनमार्क में ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम होगा, आपको डिग्री चूज करना होगा किस डिग्री में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसटीयू की बात करें, आप एसटीयू की वेबसाइट पर जाएंगे और आपको वहां पर तमाम प्रोग्राम्स मिलेंगे। आप जो प्रोग्राम चूज करना चाहें वो चूज आप करेंगे, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम होगा जो एक टाइम पर ओपन होता है। अब जो एडमिशन होंगे उसके लिए एडमिशन जो ओपन होगा वो तकरीबन जनवरी में ओपन होगा, जनवरी 2015 में, दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 फरवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट होती है एडमिशन एप्लीकेशन के लिए। लेकिन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन उससे डिफरेंट है, वो अपना फर्दर आपको डिस्क्राइब करूंगा। वो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन पहले सबमिट हो जाती है, और क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, टाइप योर मेल एंड लॉग इन इंफॉर्मेशन इज सेंड टू योर मेल विद इन अ फ्यू सेकंड्स, फिल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तमाम एप्लीकेशन जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन फॉर्म में भेजने हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक वेबसाइट भी मिलेगी जो आपको एजुकेशन लिव वर्क एंड स्टडी इन डेनमार्क के नाम से वो वेबसाइट मौजूद है डेनिश गवर्नमेंट की, जो आपको बताती है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज डेनमार्क में मौजूद हैं स्टडीज के लिए। लेकिन आपको जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है या ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो तमाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ही मिलेगी, और बहुत ज्यादा क्योंकि यूनिवर्सिटीज नहीं है, 8 यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप इजीली उनको जाकर चेक कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपसे रेलेवेंट प्रोग्राम्स मौजूद हैं। और इसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप एक से ज्यादा प्रोग्राम भी चूज कर सकते हैं, और अपने तमाम एम्प्लॉयर्स हैं जो हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या एम्प्लॉयर्स होंगे, वो भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देने हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स। एम्प्लॉयर्स क्या क्या आपको चाहिए होंगे, बैचलर डिप्लोमा आपको चाहिए होगा, बैचलर डिप्लोमा या डिग्री जो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसको ट्रांसलेट करवाएंगे इंग्लिश में, और वो इंग्लिश लैंग्वेज में आप उनको भेजेंगे। और ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेडिंग स्केल एंड बैचलर डिप्लोमा एंड ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स जो है वो आपको 6.5 एकेडमिक आइट्स चाहिए होगा, आइट्स के बगैर एडमिशन नहीं होगा, तो आइट्स मस्ट है डेनमार्क में एडमिशन के लिए। लेटर ऑफ अटॉर्नी जो है ये आपको एक सबमिट करना होगा, लेटर ऑफ अटॉर्नी एक तो बड़े सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहां पर आपको ये एक साइट पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगर लेटर ऑफ अटॉर्नी, आप उसको सिर्फ डाउनलोड करेंगे, वो एक पेज है जस्ट, उसका प्रिंट लेकर उसको फिल करेंगे, और वो इस चीज का डॉक्यूमेंट है कि आप यूनिवर्सिटी को अलाउ कर रहे हैं, उन्हें आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को बस प्रोवाइड की है वो उसको अपने किसी भी तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी को ऑथोराइज करना है कि ठीक है मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपने उसको साइन करके स्कैन करके फिर यूनिवर्सिटी को भिजवा देना है, तो ये लेटर ऑफ अटॉर्नी है। और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और एक आपकी सीवी होनी चाहिए। सीवी के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि बाकी तमाम कंट्रीज में खासकर यूरोप में तो हम यूज करते हैं कि एक जो यूरो पास फॉर्मेट है वो यूज कर लेते हैं या कोई और फॉर्मेट यूज कर लिया जाता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है डेनमार्क में कुछ ऐसा है कि सीवी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें, एडमिशन के लिए अप्लाई करें, कहीं भी आप अप्लाई करें तो एक्सपीरियंसेस तो आपके पास बहुत से होते हैं, बहुत कुछ आपने किया होता है, लेकिन आप ये देखें कि आप जहां पर अपनी सीवी सबमिट कर रहे हैं उससे रेलेवेंट आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, उससे रेलेवेंट आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप सिर्फ वो मेंशन करें। सीवी को ज्यादा लंबा ना बनाएं, कोशिश करें आपकी सीवी मैक्सिमम 1 पेज हो, बहुत भी होती है, और अगर आपके पास ऐसा कुछ मटीरियल है जो आप समझते हैं कि वाकई बहुत जरूरी है तो फिर 2 पेजेस पे आपकी सीवी जा सकती है, इससे ज्यादा कभी ना अपनी सीवी को एक्सटेंड करें। और एक पहले अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लाजमी दें कि आप जो अपना जो प्रोफाइल है वो डिस्क्राइब करें 3, 4 या 5 लाइंस में, क्योंकि आपका वो प्रोफाइल पढ़ा जाएगा और वहीं से डिसाइड होगा कि आपकी क्या क्या पर्सनैलिटी है, क्या स्किल्स हैं। तो अपना प्रोफाइल लाजमी लिखें,
यूरो पास फॉर्मेट बिल्कुल ना यूज करें। ये डेनमार्क के लिए मैं आपको स्पेसिफिक टिप्स हैं जो हो सकता है बाकी कंट्रीज में इससे बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन डेनमार्क के लिए ऐसा ही है कि यूरो पास फॉर्मेट बिल्कुल ना यूज कीजिएगा। और दूसरा ये कि अपना प्रोफाइल लाजमी लिखिएगा और पढ़ने वाले को ये लाजमी फील हो कि आपने ये सीवी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली बनाई है। या अभी कोई जनरल सीवी नहीं है जो आप पैसे उठाते हैं और किसी को भी दे देते हैं, या एक ऐसे सीवी है जो आपने सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार की है, ये सेंस क्रिएट होनी चाहिए। और उसके अलावा ऑप्शनल एम्प्लॉयर्स जो होंगे एडमिशन के टाइम पर, वो आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपके जो कोऑर्डिनेटर होंगे बहुत खुश होंगे एडमिशन देते हुए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस मौजूद है। और कोई अदर आपके कोई क्वालिफिकेशन है, कुछ कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं तो वो भी आप साथ सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज हो सकती है कि आपको एक एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट करवाना होगी, वो तकरीबन 100 यूरो एप्लीकेशन फी है मेरे ख्याल में, 14,000 रुपीज बनते हैं। ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो एप्लीकेशन जो है ये आपको सब डिपॉजिट करवाना होंगे यूनिवर्सिटी को। और लेकिन ये एप्लीकेशन फीस रिटर्न हो जाती है अगर आपको एडमिशन मिलता है तो। मुझे भी ये मतलब डिपॉजिट नहीं करवाना पड़े थे, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है समटाइम्स वो आपको कह भी देते हैं ठीक है ना डिपॉजिट करवाएं, लेकिन बेहतर है कि आप करवाते हैं और किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए, और ये आपको रिटर्न हो जाते हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है तो। और इसकी जो डेडलाइन होती है एडमिशन के लिए वो 1st of February है फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स, और ये उस सेशन के लिए होगा, मतलब अगर 1st February लास्ट डेट है तो उसका मतलब है कि ये सेशन स्टार्ट होगा 1st of September से। तो अब आपके पास जो डेडलाइन आएगी वो 1st February 2015 होगी और ये सेशन स्टार्ट होगा 1st September 2015 में। और अगर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो ये एप्लीकेशन फीस डेफिनेटली जाया हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के कौन सा आपको प्रोग्राम और ये किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। एक एप्लीकेशन फीस जो है वो एक यूनिवर्सिटी के लिए है, वो अगर किसी कंट्री में ऐसा है कि आप एक दफा फॉर एग्जांपल एस्टोनिया में मुझे फॉरेन मैगजीन में आया कि वहां पर आप एक एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करवाते हैं और वो तमाम यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई होती है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन फीस है ये एक यूनिवर्सिटी के लिए है। अगर आप प्रोग्राम तो आप डिफरेंट चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसकी फिर एप्लीकेशन फीस अलग होगी। As soon as the application has been evaluated, you are informed. तकरीबन 4 से 6 हफ्तों के अंदर यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देती है कि आपका एडमिशन आप सक्सेसफुल हो एडमिशन लेने में या नहीं, और 4 से 6 हफ्तों के अंदर आपको मैक्सिमम 4 वीक्स में आपको मेल मिल जाती है कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं। और इससे पहले जब आपका स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन बारे में आपको भी बताऊंगा तो वही मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू किस तरह होगा, इंटरव्यू भी आपका होगा स्काइप पे, लेकिन वो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ही हो जाएगा, और अगर आपका स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया तो एडमिशन के बाद आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और या आपको एक लेटर ऑफ रिजेक्शन जो है वो बाय ईमेल भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की जो बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने बताया कि डेनमार्क में फीस अप्लाई होती है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स पे जो काफी बड़ी फीस है, तो इसी तरह वहां पे कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं। ये स्कॉलरशिप्स डेनमार्क की तमाम यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट ऑफर करती है, डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इनोवेशन एंड हायर एजुकेशन इन स्कॉलरशिप एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी इस मिनिस्ट्री के पास है, और डेनिश मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज स्टडिंग अ फुल डिग्री एट ग्रेजुएट लेवल। ये सिर्फ मास्टर लेवल पे ऑफर होते हैं, बैचलर लेवल पर ये स्कॉलरशिप्स ऑफर नहीं होते, और जो फुल डिग्री पढ़ रहे हो सिर्फ उनको मिलते हैं। अगर आप कोई एक सेमेस्टर या एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर आ रहे हैं तो फिर आप ये स्कॉलरशिप में
लिए एलिजिबल नहीं है। स्कॉलरशिप्स एंड ट्यूशन फी वेवर्स आर अवेलेबल फॉर हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट्स हु हैव बीन एडमिटेड टू अ रेंज ऑफ प्रोग्राम्स, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इफ यू आर अ नॉन ईयू स्टूडेंट एंड अप्लाइंग फॉर अ प्रोग्राम विच ऑफर्स दिस स्कॉलरशिप यू विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड फॉर इट। तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, आपने सिंपल एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है और एडमिशन के बाद आपको मेंशन कर देते हैं कि मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूं, वो जस्ट आप टिक करते हैं कि मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूं, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं और आपकी क्वालिफिकेशन पूरी उतरती हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आपके जो इंटरनेशनल ऑफिस है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का वो खुद ही आपको इन्फॉर्म कर देगा कि हम आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप दो कैटेगरी दो टाइप्स का होता है, इसमें दो तरह से ऑफर होता है। समटाइम्स वो आपको सिर्फ फीस वेव ऑफ करेंगे, सिर्फ आपको कह देंगे आपकी हम फीस वेव ऑफ कर रहे हैं, आपके लिविंग एक्सपेंडिचर जो है वो आपने खुद बेयर करने हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है जहां वो आपकी फीस भी वेव ऑफ करते हैं और आपको एक लिविंग स्टाइपेंड भी ऑफर करते हैं। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, इधर ओनली फीस और फीस एंड लिविंग स्टाइपेंड दोनों। अगर लिविंग स्टाइपेंड को देते हैं तो वो कोई लगभग 7,000 क्रोन होता है, जो बड़ा हैंडसम अमाउंट है वहां रहने के लिए। अच्छा, अब एक स्कॉलरशिप्स हैं जो जिनका टाइटल है 20 स्कॉलरशिप्स फॉर एमएससी इन इंजीनियरिंग। ये स्कॉलरशिप सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न डेनमार्क ऑफर कर रही है, और ये इनके सिर्फ दो प्रोग्राम हैं, एमएससी इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स और एमएससी इंजीनियरिंग इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोग्राम में ये स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैकाट्रॉनिक्स में तो ठीक है आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकाट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा ख्याल है आईटी, ये आपका खुद मतलब डिसाइड करना है कि अगर आपको उसके कोर्स आउटलाइन देखते हो और आप समझते हो कि हाँ ये चीज मैं पढ़ सकता हूँ और मैंने बैचलर में भी इससे रेलिवेंट कुछ प्रोग्राम्स पढ़े हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो दूसरा प्रोग्राम है एमएससी इंजीनियरिंग इनोवेशन एंड बिजनेस, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपके जिसके एडमिशन एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी हो सकती है। सब भी जो क्लास मौजूद है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियर भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोटिव इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग और इस तरह डिफरेंट डिसिप्लिन से लोग मौजूद हैं जो एमएससी इंजीनियरिंग कर रहे हैं इनोवेशन एंड बिजनेस में। तो अच्छा, इसके अलावा एक हमारी क्लास फेलो जो चाइना से हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कि इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में बैचलर किया हुआ है, तो वो भी मास्टर इसमें कर रही हैं, लेकिन ये ज्यादा रिलेट करता है ये प्रोग्राम मैकेनिकल इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव या इस टाइप की जो डिग्रीज हैं मैकेट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, इन डिग्री से ये ज्यादा रिलेट करता है एमएससी इंजीनियरिंग इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोग्राम। तो ये तमाम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और ये जो 20 स्कॉलरशिप्स हैं ये इन दोनों प्रोग्राम्स में ऑफर होते हैं, और ये दोनों प्रोग्राम्स सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न डेनमार्क के सुंडरबर्ग कैंपस जो है यहाँ पर ऑफर होते हैं। शायद आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये सुंडरबर्ग बनेगा, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन जो है उसकी डैनिश में भी सुंडरबर्ग है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ ट्यूशन फी कवर करता है, और इसमें कोई बाकी और कोई चीज शामिल कुछ स्टाइपेंड वगैरह इस स्कॉलरशिप का हिस्सा नहीं है, इसमें सिर्फ ट्यूशन फी है, और आपको को जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो खुद बेयर करना होंगे। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी डेफिनेटली इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में समझते हैं बहुत अच्छा डिसिप्लिन है इनोवेशन एंड बिजनेस के लिए भी, और इसे मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर को जानता हूँ जो इसी की डिग्री कर रहे हैं, वो ये मतलब थोड़ा सा उनका डिफरेंस इस तरह है, वो एमएससी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, वो एमएससी इंजीनियरिंग तो नहीं है, कुछ कोर्स आउटलाइन उनकी डिफरेंट है, लेकिन वो भी टेक्सटाइल इंजीनियर है, नहीं वो किसी और कंट्री से ये डिग्री कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एडमिशन ये इस 20 स्कॉलरशिप फॉर एमएससी इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो उसका तरीका ये होगा कि इसकी एप्लीकेशन दिसंबर के महीने में सबमिट हो जाती है, मतलब
एडमिशन की एप्लीकेशन जो है वो फरवरी में सबमिट हो रही है, लेकिन ये स्कॉलरशिप्स, ये जो 20 स्कॉलरशिप्स हैं, इनकी एप्लीकेशन दिसंबर 2014 में सबमिट हो जाएगी। वो डेडलाइन हर दफा कुछ वैरी करती है, समटाइम्स लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होता है, समटाइम्स फर्स्ट वीक होता है, लेकिन दिसंबर के महीने में एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो उसको आप लास्टली देखिएगा वेबसाइट पे जाकर। इस दफा की वेबसाइट डेडलाइन अभी तक उन्होंने कोई अनाउंस नहीं की, लेकिन वो कोई नवंबर के मंथ में या अक्टूबर के मंथ में ओपन कर देंगे और आपको एक डेडलाइन दे देंगे कि इस डेडलाइन तक हमें जो है एप्लीकेशन दे दें। लेकिन ये दिसंबर का होपफुली, इस दफा दिसंबर का फर्स्ट वीक जो है ये इसकी डेडलाइन होगी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की। और वो बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, 2 पेजेस की एप्लीकेशन है, जिसको आपने डाउनलोड करके फिल करना है, साइन करना है, स्कैन करके और अपने तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके इस जो ईमेल एड्रेस मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पर आपने ये एप्लीकेशन आपकी भेज देनी है। लेकिन याद रखिएगा कि ये एप्लीकेशन सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए है, ये आपसे इंटरव्यू भी करेंगे, आपको अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको ये बता लेटर भी भेज देंगे स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन का। लेकिन इस साल भी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, वो बहुत पैशनेट था आने के लिए, लेकिन उसको यही स्कॉलरशिप ऑफर हो गया और उसने यही समझा कि मेरा एडमिशन हो गया। मुझसे भी वो जितनी इन्फॉर्मेशन लेता रहा, मेरे भी उस जहन में नहीं आया, मतलब उससे वो थोड़ी बहुत गाइडेंस लेता रहा, लेकिन उसने उस चीज को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया कि मैंने एडमिशन एप्लीकेशन तो सबमिट करवाई नहीं। लेकिन वो बाद में पता चला कि एडमिशन तो उसका हुआ ही नहीं, वो तो सिर्फ स्कॉलरशिप उसको मिला था। तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है, ये एडमिशन एप्लीकेशन नहीं है और इसकी कोई फीस नहीं है। ये आपने जस्ट ईमेल करना है अपना रिकॉर्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, और उस पर आपका ये एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे स्काइप पर, वो तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू होगा। उससे पहले वो आपको 2-3 दिन पहले ईमेल करेंगे, तो आपसे प्रेफर टाइम लेंगे और फिर जो कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम के वो आपसे इंटरव्यू करेंगे 1 घंटे का। आपकी जनरल एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा, कोई आपकी जो सबका एजुकेशन है, मतलब कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं होंगे और जनरल किस्म के क्वेश्चन होंगे आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के। और बाकी ये है कि जी एप्लीकेशन फॉर एडमिशन जो है उसको मैंने इसलिए रेड किया है कि उसको आपने सेपरेटली सबमिट करना है, वो ये एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगी एडमिशन के लिए। अच्छा, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, मुझे भी इससे ऐसे चौंक गुजरना पड़ा, मुझे भी ये प्रॉब्लम आई कि मुझे स्कॉलरशिप का ऑफर हो गया एडमिशन का, फीस के लिए मुझे पता लग गया अच्छा जी मेरी फीस तो वेव ऑफ हो गई है। लेकिन अब मसला आता है कि डेनमार्क चूंकि बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है और मतलब मिनिमम जो आपको वहां के लिए लिविंग के लिए चाहिए वो एटलीस्ट आपके पास 3,000 क्रोन पर मंथ होने चाहिए। तो ज़्यादा बच्चा परेशान हो जाता है कि भी मैं वहां पर जाकर के 3,000 क्रोन्स कैसे मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो वहां पर भी एक और स्कॉलरशिप मौजूद है, अगेन ये स्कॉलरशिप सिर्फ सुना बहुत कैंपस के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए है और वहां पर सिर्फ यही 2 प्रोग्राम्स अब ऑफर हो रहे हैं। पहले जो प्रोग्राम था प्रोडक्ट डिजाइन का वो एक और कैंपस में चला गया, तो अब सिर्फ ये 2 कैंपस प्रोग्राम्स और इन 2 प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये BHJ फाउंडेशन जो है ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। ये एक BHJ के नाम से 3 साइंटिस्ट्स ने ये फाउंडेशन वहां बनाई हुई है इस सिटी में और ये डिफरेंट किस्म के प्राइजेस देते हैं जो आपके फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। स्कॉलरशिप जब आप कहीं एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर जा रहे हैं वहां पे दिया जाता है, और जब आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई किस्म के स्कॉलरशिप BHJ फाउंडेशन देती है। इन्हीं में से एक है स्कॉलरशिप इन, कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम कुछ ये है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ उस वक्त कंफर्म होता है जब आप वहां पहुंच चुके होते हैं, आप ऑलमोस्ट 1 सेमेस्टर पढ़ चुके होते हैं तब इस स्कॉलरशिप का रिजल्ट आपको दिया जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये स्कॉलरशिप ऐसा है कि जिस जो आपको यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए कंफर्म नहीं हो सकता कि ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ टिप्स इसकी दे सकता हूँ कि कैसे मिल सकता है। ये उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि 6 1-year स्कॉलरशिप्स आर इंट्रोड्यूस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन सुनाबोर कैंपस ऑफ SDU।
और ईच हैज द वैल्यू ऑफ 40,000 क्रोन्स एंड दो दे में भी ऑफ 20,000 क्रोन्स। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो उसकी दो डेडलाइंस होती हैं, 1 मार्च एंड 1 नवंबर। अब होता यह है कि आप अपनी जो पहली एप्लीकेशन है वो तो आप यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए ही सबमिट करवा सकते हैं, और वो मैं रेफर ये करूंगा कि आप अगर एडमिशन ले लेते हैं तो आप यहाँ रहते हुए ही एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। अब ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इसी ईमेल एड्रेस पर आपने भेजनी है एप्लीकेशन। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइएगा, अगर कंसर्न पर्सन चेंज हो गया है तो फिर ईमेल एड्रेस भी चेंज हो चुका होगा, तो वो वहां पर मेंशन हुआ होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन खत्म मेंशन नहीं है, ये रिसेंटली रिटायर हुई है, तो डेफिनेटली अब इनकी जगह कोई और शख्स होगा जो इनको डील कर रहा होगा इन स्कॉलरशिप को। तो लेकिन वो चीज वेबसाइट पे आपको मौजूद होगी, ये किसी ईमेल एड्रेस पे आप भेजोगे ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन। अच्छा, अब एक चीज प्रॉब्लम तो ये है कि आपको ये वहां पहुंचने पे कंफर्म होते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि चूंकि आपके पास पहले जो ग्रेड्स होते हैं वो पाकिस्तान से बने हुए होते हैं और उनके वो इतना रिलाय नहीं कर रहे होते। अगर यूरोपियन यूनियन से हों तो ठीक है, उनको तो वो ठीक समझते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से हैं तो वहां उस पर वो इतना रिलाई कोऑर्डिनेटर नहीं कर रही होती। तो जब आप एक सेमेस्टर वहां पढ़ लेते हैं तो आपके ग्रेड जो वहां पर आते हैं उनको ज्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है, और इनके जो इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए आपके जो कोऑर्डिनेटर होंगे यहाँ के इस प्रोग्राम के लिए वो उनसे उनके सामने अभी क्या रेपुटेशन है, वो आपको किस तरह का स्टूडेंट समझती हैं, उनके सामने आपकी क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के कमेंट्स पर डिपेंड करता है ये स्कॉलरशिप। अगरचे ये देती हुई फाउंडेशन है लेकिन इसका एक मेजर पार्ट जो है इसकी सक्सेसफुल बनाने का वो कोऑर्डिनेटर के कमेंट्स हैं, तो कोऑर्डिनेटर जो कमेंट्स देगा उसी पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। मैंने फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया था, साल में 2 दफा इसकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला था, लेकिन सेकंड टाइम में जब मैंने अप्लाई किया सेकंड सेमेस्टर में तो मुझे ये स्कॉलरशिप मिल गया था, क्योंकि उस पर मेरे पास एसपीयू का एक एग्जाम गुजर चुका हुआ था और उससे ग्रेड्स भी मौजूद थे जो अच्छे ग्रेड्स थे, और कोऑर्डिनेटर भी मुझे एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी, तो उनकी वजह से मुझे ये स्कॉलरशिप ऑफर हो गया। तो लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यह स्कॉलरशिप आपको वहां पहुंचने पर मिल सकता है, इसकी वैल्यू जो है वो 20,000 क्रोन होती है, आप ये 20,000 क्रोन है, साल में 2 दफा ऑफर होता है, लेकिन जिस स्टूडेंट को मिल जाए वो दोबारा 1 साल के बाद अप्लाई कर सकता है, वो फिर 6 माह के बाद दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। और ये अमाउंट इतनी है कि आप किसी ना किसी तरह अपना 1 साल इसमें गुजार लेते हैं, 1 साल इसमें आपका हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है लेकिन 1 साल गुजर जाता है इसमें, तो इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अब यहां तक जो मैंने अभी आज आपको बताया उसका थोड़ा सा मैं समरी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो 8 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप अपना प्रोग्राम जो है वो चूज करेंगे, और प्रोग्राम चूज करने के बाद हर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेती है, कोई यूनिवर्सिटी भी पेपर डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की हर यूनिवर्सिटी आपसे इंटरनेशनल स्टूडेंट से नॉन यूरोपियन स्टूडेंट से 100 यूरो फीस लेगी, वो फीस सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पर अप्लाई होगी, और उसमें आप प्रोग्राम डिफरेंट चूज कर सकते हैं। इस वक्त स्कॉलरशिप थोड़े कम ऑफर किए जा रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज में, SBU में स्कॉलरशिप्स थोड़े ज्यादा मौजूद हैं, मैं भी उसकी रीजन भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि उसकी रीजन क्या है और ये सिनापोर कैंपस में क्यों ज्यादा स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि इसी सिटी में अगर आप जानते हो तो एक डेनफॉस कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है डेनफॉस का, डेनफॉस का हेडक्वार्टर इसी सिटी में मौजूद है। इसके अलावा ब्रूफॉस कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंप्रेसर बनाने की कंपनी, उसका हेडक्वार्टर इसी सिटी में मौजूद है। सीमेंस विंड एनर्जी का प्लांट यहाँ मौजूद है, कुछ और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लिनक्स एक्चुएटर्स की कंपनी है, लेगो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनका हेडक्वार्टर इसी के करीब ही है, तकरीबन 1 घंटे के सफर पर। तो ये तमाम कंपनीज यहाँ मौजूद हैं, इनको वर्क फोर्स की जरूरत होती है, और स्किल्ड वर्क फोर्स यहाँ पर इस सिटी में कुछ कम है, कम इसलिए क्योंकि छोटा शहर है, तो
यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है वो नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हम बड़े शहरों में चले जाएं, तो इन कंपनीज की फिर कोशिश होती है कि जो इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कफोर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ पर किसी तरह हम उनको लाएं और वो यहाँ पर पढ़ें भी और फिर यहाँ काम भी करें। तो उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट कर ली है, ये बहुत जबरदस्त कैंपस है जो डेनफोर्स कंपनी ने ही इस्टेब्लिश करवाया है, और ये जो स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं इनमें भी बड़ी फंडिंग डेनफोर्स कंपनी की तरफ से है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, ये कैंपस भी नया ही बना है तो बहुत ज्यादा आसानी हुआ, इस कैंपस कुछ साल हुए हैं इस कैंपस को बने हुए, इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए पढ़ें और हर तरह से उनके एक्सपेंडिचर जो है वो बियर भी कर रहे हैं, तमाम के तो नहीं होते लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ना उनको कुछ ना कुछ लिविंग स्टाइपेंड दिया जा रहा होता है, फीस भी वेव ऑफ हो जाती है और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, इंटर्नशिप्स इन कंपनीज में मिल जाती हैं, अगर इंटर्नशिप मिल जाए तो ये इतना अच्छा स्टाइपेंड दे रही होती है कि आपके पास अपने एक्सपेंडिचर्स फुलफिल करके भी बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट आपकी सेव हो रही होती है। तो ये रीजंस हैं कि इस कैंपस में कुछ ज्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जा रहे हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है इस वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मैंने टॉपिक्स को सारे कवर कर दिए हैं एडमिशन के हवाले से। एडमिशन एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो याद रखिएगा कि 1 फरवरी जो है वो एसडीयू की डेडलाइन है, दूसरी यूनिवर्सिटीज की भी इसी के अराउंड होगी, जनवरी की डेडलाइन होगी या 1 मार्च होगा, लेकिन ये जनवरी फरवरी के मंथ्स में ही तमाम 8 यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन लेती हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा रेजिडेंस परमिट को, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए जो रेजिडेंस परमिट है वो डेनमार्क का वो बड़ा एम्बिगुअस सब प्रोसेस है, जिन लोगों से मेरी वास्ता पड़ता है उनको भी काफी परेशानी होती है, मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो इसलिए मैं उसको भी कुछ डिस्कस कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसके लिए एक फॉर्म होता है ST1 वेबसाइट फॉर्म, जो आपको न्यू टू डेनमार्क वेबसाइट पर आप जाएंगे, न्यू टू डेनमार्क वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं इंटरनेशनल के लिए जो किसी भी पर्पज के लिए डेनमार्क में आकर रहना चाह रहे हैं, उनको तमाम ब्रीफिंग वहां पर उस वेबसाइट पर मौजूद है, वहीं जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे वहां ST1 वेबसाइट आपको मिल जाएगा, ये आप रेजिडेंस परमिट फॉर स्टूडेंट्स के लिए है। और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है रेजिडेंस परमिट का, ये यूनिवर्सिटी इनिशिएट करेगी, आपने इनिशिएट नहीं करना, यूनिवर्सिटी को पता है, यूनिवर्सिटी जब आपको बताएगी कि आपका एडमिशन हो गया है और आप भी कह देंगे, उनको बता देंगे कि हाँ ठीक है मैं बिलिंग हूँ और एक्सेप्टेंस कर लेंगे आप एडमिशन की और स्कॉलरशिप की, तो वो आपको खुद ही यूनिवर्सिटी जो है वो रेजिडेंस परमिट का फॉर्म फिल करके आपको भेजेंगे, और जब वो फॉर्म आपको मिल जाएगा वो बाय ईमेल भेजेंगे, वो फॉर्म जब आपको मिल जाएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म का एक पार्ट होगा, पार्ट 2। पार्ट 1 आपने खुद वेबसाइट से डाउनलोड करना और उसको फिल करके और उसके के साथ अटैच कर देना, तो ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब पहला जो पहला इनिशियलाइजेशन होगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी रेजिडेंस परमिट के एप्लीकेशन की। और इफ यू हैव बीन एक्सेप्टेड एट अ हायर एजुकेशनल प्रोग्राम एंड हैव बीन ग्रांटेड अ रेजिडेंस परमिट ऑन दीज ग्राउंड्स, यू कैन ब्रिंग फैमिली मेंबर्स टू डेनमार्क, अगर आपको ये रेजिडेंस परमिट मिल जाता है तो आप अपनी फैमिली को भी डेनमार्क में अपने साथ ला सकते हैं, कोई मजीद उसके रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, मतलब फैमिली मेंबर्स में शामिल है आपकी वाइफ और आपके बच्चे, तो ये जो फैमिली है इनको भी आप अपने साथ ला सकते हैं, और अगर आप उनको लाना चाहें तो उसके लिए आपको एक सेपरेट फॉर्म सबमिट करवाना होगा जो FA8 के नाम से मौजूद है, जो फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। ये तमाम फॉर्म आपको न्यू टू डेनमार्क वेबसाइट पर मिलेंगे, आप गूगल पर जैसे टाइप करेंगे न्यू टू डेनमार्क तो वो वेबसाइट आ जाएगी nydenmark.dk, कुछ इस तरह है, शायद मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, लेकिन आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा न्यू टू डेनमार्क। इसके बाद आपने करना यह है कि इसके साथ एम्प्लॉयर्स जो होंगे वो होंगे, तो आपका ST1 फॉर्म हो जाएगा, कलर फोटो कॉपी ऑफ नेशनल पासपोर्ट, फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
अच्छा, अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा इनको, एक तो आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका मैट्रिक और इंटर के जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो मुतलका बोर्ड से, रिस्पेक्टिव बोर्ड से आप वेरीफाई करवाएंगे, और उसके बाद आईबीसीसी से वेरीफाई करवाएंगे। आपकी जो डिग्री है वो एचएससी से वेरीफाई होगी, और इन तमाम डिग्रीज को वेरीफाई करवा लेने के बाद, और जो आपके दूसरे दो डॉक्यूमेंट्स होंगे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा इशू करेगा, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, वो भी आपको आपके यूनियन काउंसिल से मिल जाएगा। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना है, वो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, इसीलिए आप ये करवा सकते हो। लाहौर में भी उनका ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी, मुख्तलिफ शहरों में उनके टेंट ऑफिस मौजूद हैं, वहां से आप इजीली करवा सकते हैं। इसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज करवानी है, और फोटो कॉपीज अगेन, ये तमाम फोटो कॉपीज कलर होनी चाहिए, इनमें कोई भी कॉपी ब्लैक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करती है स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस भी, और साथ ही आपको वो कहते हैं हम आपको लिविंग स्टाइपेंड भी देंगे, जो जो कि स्कॉलरशिप होता है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के नाम से, डैनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसमें अगर वो आपको कहते हैं कि फीस भी हम आपको दे रहे हैं और लिविंग स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, तो फिर आपको कोई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फीस कही जाती है, आपको कहा जाता है कि सिर्फ फीस हम आपको वेव ऑफ कर रहे हैं, लिविंग एक्सपेंडिचर जो आपने खुद बेयर करने हैं, तो फिर आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साथ अटैच करना होगी। लेकिन इसके बारे में आपको ये कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जर्मनी है, जर्मनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सब प्रोसेस है, जिसमें आपने जर्मन बैंक में अपनी अमाउंट जो है वो रिजर्व करवानी होती है। लेकिन डेनमार्क के लिए आप अपने किसी भी बैंक में, पाकिस्तान में आप एक अमाउंट डिपॉजिट करवा दें जो एकदम 54,000 करोड़ बनती है, और ये कुछ 10 लाख के अराउंड अमाउंट बनती है, ये आप डिपॉजिट करवाएं, और उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवा लें, और बैंक स्टेटमेंट बनने के बाद आप इस अमाउंट को निकलवा सकते हैं, इसको कोई ऐसा वेरीफाई नहीं किया जाता। तो बस आपके एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये 10 लाख रुपए जो है मेरे अकाउंट में मौजूद है। लेकिन ये उस वक्त अगर आपको लिविंग स्कॉलरशिप ऑफर नहीं होता, सिर्फ फीस वेव ऑफ होती है, तो फिर आपको ये करना होगा। लेकिन ये अमाउंट ना तो आपने डेनिश बैंक में जमा करवाने हैं, अपने पाकिस्तानी लोकल बैंक में आपने एक दफा जमा करवा के उससे बैंक स्टेटमेंट बैंक से ले लेनी है। और इसके बाद एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस होगी जो 1670 करोड़ होगी, और फिर एक एम्बेसी फीस होगी 26,000 रुपीज होगी। तो ये जो है आपको ये फीसें भी जमा करवानी होंगी वहां पर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हुए। इन फीसों को भी मैं दोबारा इनकी एक समरी दूंगा कि कौन कौन सी फीसें आपको डिपॉजिट करवाना होगी। एप्लीकेशन आप जारीज इंटरनेशनल के ऑफिस में सबमिट करवाएंगे। लास्ट ईयर जब मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई थी, तो ये सिर्फ इस्लामाबाद ऑफिस में सबमिट होती थी, सिर्फ इस्लामाबाद ऑफिस में। लेकिन इस साल से ये लाहौर में भी आप सबमिट करवा सकते हैं, लाहौर और कराची में भी। तो ये लास्ट ईयर तक इस तरह था कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में सबमिट होती थी, लेकिन अब से ये मैंने रिसेंटली देखा 2-3 दिन पहले कि अब जो लाहौर ऑफिस और इस्लामाबाद कराची ऑफिस है वो भी एप्लीकेशन ले रहे हैं रेजिडेंस परमिट की। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं, तो फिर आप जायरीज इंटरनेशनल पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, और जायरीज इंटरनेशनल आपकी एप्लीकेशन को डैनिश एम्बेसी में भेजेगा इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे कुछ ही दिन में, 2 दिन 1 वीक आपसे वो कांटेक्ट करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे सब पूछेंगे कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिला, एडमिशन कैसे मिला, क्या सोर्सेस थे आपके, कैसे आपको पता चला कि एडमिशन हो रहा है, कैसे पता चला कि स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, और इस तरह के कुछ सिंपल क्वेश्चंस करने के बाद वो अगर सेटिस्फाइड होंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन को, इम्बेसी एप्लीकेशन कुछ भी नहीं करेगी, वो सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चन करके आपकी एप्लीकेशन को आपके सामने देंगे, कोपन हैगन भेज देंगे डैनिश एजेंसी फॉर लेबर रिटेंशन एंड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, और वो जो डिपार्टमेंट है कोपन हैगन में वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। 2 मंथ्स का टाइम वो लेते हैं इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका पास टाइम नहीं, टाइम मौजूद है, तो आप 2 मंथ्स
से पहले अपने कोर्स स्टार्ट होने से 2 महीने से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ 3 वीक्स पहले सबमिट करवाई थी, लेकिन वो अकोमोडेट कर भी लेते हैं। मुझे उन्होंने कर दिया था, मुझे उन्होंने 2 हफ्ते में एप्लीकेशन मेरी प्रोसेस कर दी थी, लेकिन ये डेफिनेटली रिस्की चीज होगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो जो क्लेम करते हैं 2 मंथ्स का टाइम, तो आप 2 मंथ्स का टाइम अपने पास रखें रिजर्व में कि मेरे पास 2 मंथ्स होने चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए। और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा कोपेनहेगन से, अगर वो आपके को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, और आपको साथ ही एम्बेसी आपको एक दिन दे देगी कि आप इस दिन आए और अपनी वीजा एंडोर्समेंट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पे करवा लें पासपोर्ट पर। अच्छा, आपकी फीस जो है उसको मैं समरी दे रहा हूँ कि अगर आप डेनमार्क आना चाहें स्टडीज के लिए और आपको स्कॉलरशिप भी मिला हो तो ये आपकी टोटल फीस है जो आपको हर सूरत में देनी होगी। इवन आपको स्कॉलरशिप मिला हो तब भी, एक तो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फीस है जो 100 यूरो जो तकरीबन 14,000 रुपीज बनते हैं, विल बी रिटर्न्ड अपॉन अराइवल टू डेनमार्क। रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फी है जो 1670 डेनिश क्रोन है जो तकरीबन 32,000 रुपीज बनती है, और एक इन्वेस्टी फी है जो 25,000 है, तो ये टोटल अमाउंट जो 71,000 रुपीज बनते हैं, ये आपको सबमिट करवाना होंगे। रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फीस, इन्वेस्टी फीस और एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फीस। और उसके अलावा अब ये भी देखेंगे दूसरे जो कई कंट्रीज हैं वो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाते हैं, कुछ आपसे हेल्थ मेडिकल टेस्ट भी करवाते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आपको वीजा एंडोर्समेंट आपकी हो जाएगी, वीजा आपको इशू हो जाएगा पासपोर्ट पर, उसके बाद आपसे कोई मजीद टेस्ट नहीं होगा, कोई मजीद रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, ना ही कोई मेडिकल टेस्ट करवाना है। उसके बाद जस्ट आपने अपना एक एयर टिकट परचेज करना है और आपने डेनमार्क चले जाना है। और वही चीज यहाँ पर मेंशन है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज फ्री एंड नो मेडिकल टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन आपने खुद केयर करनी है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी, कोई ऐसी डिजीज मौजूद है जो आप समझ लेंगे एक से दूसरे शख्स को लग सकती है, तो आपको खुद बाहसियत इंसान उसके बारे में सोचना चाहिए। इंडस्ट्री आपको नहीं कहेगी कि आप कोई टेस्ट करना है। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन होगा स्टडीज का जो आपको, अच्छा यहाँ से तो आपको वीजा इशू होगा जो सिर्फ 6 मंथ्स का होगा, वहां पहुंचने पर आप अपने सिटी में जाएंगे, वहां की जो सिटी गवर्नमेंट ऑफिस होगा कम्यून से कहा जाता है, वहां पर आप सिर्फ अपने जाकर बताएंगे कि मैं यहाँ आ गया हूँ, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज उन पर देंगे, और वो आपके एड्रेस पर आपके जो कार्ड्स हैं रेजिडेंस परमिट कार्ड वगैरह वो आपके एड्रेस पर भेज देंगे, उससे कोई फीस वगैरह कोई चार्जेस नहीं होंगे। और वो कार्ड जो आपको मिलेगा रेजिडेंस परमिट, वो आपकी जब आपकी डिग्री खत्म होनी है उससे फर्दर 6 मंथ्स तक वो वैलिड होगा, मतलब आपको एक्सटेंशन मिलेगी 6 मंथ्स की अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद। तो ये तकरीबन आपको 2.5 साल का वर्क परमिट जो है सॉरी रेजिडेंस परमिट इशू होगा। उन 6 मंथ्स का मकसद यह है कि आप इन 6 मंथ्स में जॉब सर्च कर लें, अगर आपको जॉब मिलती है तो आप फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दें, इन केस आपको जॉब नहीं मिलती तो अगर आपने वहां से मास्टर किया है तो आपको बहुत इजीली ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। आप सिर्फ उसी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और आपका रिकॉर्ड क्लियर है तो आपको इजीली विद इन 4 वीक्स आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और वो ग्रीन कार्ड फर्दर 3 ईयर्स के लिए आपको एलिजिबल कर देगा डेनमार्क में रहने और काम करने के लिए। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप स्टडीज के बाद वहां रहना चाहें तो आपको ये 6 मंथ्स का टाइम मिल रहा है, इसमें आप वर्क जॉब सर्च कर लें, नहीं मिलती जॉब तो आप इसमें ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। ग्रीन कार्ड की थोड़ी सी फीस होती है, कोई इतनी बड़ी फीस नहीं, मामूली नॉर्मल सी फीस है, और वो फीस आप पे करके स्टडीज के बाद या स्टडीज के बाद ग्रेजुएशन के बाद का स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर अगर आप ग्रीन कार्ड लेना चाहें तो आपको इजीली डेनमार्क में ग्रीन कार्ड दे देता है, कि उस रीजन ही अगर डेनमार्क को स्किल्ड वर्क फोर्स की कमी का शिकार है डेनमार्क, और वो खुश होंगे अगर आप वहां रहना चाहें तो। अच्छा, अगर आप इसके साथ जॉब करना चाहें अपनी स्टडीज के साथ तो उसका ये होगा कि एज ए फॉरेन स्टूडेंट यू आर अलाउड टू वर्क 15 आवर्स अ वीक, और आप 15 घंटे एक वीक में काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। और
जो ये 9 मार्च से ये चीज एप्लीकेबल है। इसके बाद जो जून जुलाई अगस्त का मंथ के मंथ्स होंगे उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। ये समर वेकेशन कंसिडर होती हैं जून जुलाई अगस्त, इसमें आप फुल टाइम काम करेंगे। बाकी जो 9 माह है उसमें आप 15 आवर्स पर वीक काम करेंगे। और जो मिनिमम वेज है वो मैंने पहले भी बताया वो 100 करोन्स है। कुछ फर्क हो सकता है, 95 करोन्स की कंपनी आपको दे सकती है तो वो भी ठीक है, लेकिन इससे कम अगर कोई 90 करोन से कम आपको ऑफर कर रहा है तो वो गलत है, वो इनलीगल है। तो 100 से ऊपर ऊपर ही होने चाहिए वेज। और क्योंकि ये बहुत अच्छी वेज है, अगर आपको 15 आवर्स छोड़े, अगर आपको 10 घंटे भी वीक में काम मिल जाता है तो आप अपने जो पूरे मंथ का खर्च है वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जॉब्स जो अवेलेबल हैं वो कैफे, रेस्टोरेंट्स, क्लीनिंग जॉब्स, होटल्स इन टाउन, न्यूज़पेपर डिलीवरी, ग्रीन हाउसेस और फार्म्स पे कुछ स्टूडेंट्स को जॉब्स मिल जाती हैं। यूनिवर्सिटीज में ही वो जॉब्स कई दफा ऑफर हो जाती हैं। तो ये कहते तो हम इनको और जॉब्स ही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली यूरोपियन स्टूडेंट्स भी यही जॉब्स करते हैं। ये एक सोर्स हो सकता है आपके लिए अपनी इनकम कुछ जनरेट करने के लिए, अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो, और अगर कोई स्कॉलरशिप है भी तो आप साथ साथ कुछ ऐसा काम कर सकते हैं डेनिश कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए और साथ ही साथ कुछ फाइनेंस जनरेट करने के लिए। और जहां से इससे मुतल्लिक डिटेल्स आपको मिलेंगी वर्क इन डेनमार्क की वेबसाइट पर, आप वर्क इन डेनमार्क की वेबसाइट पर जाए आपको वहां बहुत डिटेल से ही तमाम टॉपिक्स वहां पर मिल जाएंगे। न्यूज पेपर डिलीवरी स्टूडेंट्स, बहुत से अक्सर स्टूडेंट्स न्यूज पेपर डिलीवरी का काम करते हैं, पोस्टमैन के तौर पर काम कर लेते हैं। वीकेंड पर उनको पोस्टमैन डिलीवरी पोस्टल डिलीवरी का काम मिल जाता है सिर्फ सैटरडे संडे के लिए, और वो ये काम भी करते हैं, इसमें बहुत अच्छी अर्निंग वो कर लेते हैं। वीक में एक दिन ही फुल टाइम अगर वो काम कर लें तो उनको नेक्स्ट 2 वीक्स का खर्च मिल जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी वहां मौजूद है ड्यूरिंग स्टडीज। और ग्रीन कार्ड स्कीम मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये ग्रीन कार्ड स्कीम इन्होंने स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए भी रखी हुई है कि आप स्टडीज के बाद 6 मंथ्स तो आपको वो खुद ही ऑफर कर देंगे, आप 6 मंथ स्टडीज के बाद यहाँ रहें, जॉब सर्च करें, और अगर जॉब मिल जाती है तो वर्क परमिट ले लें, अगर जॉब नहीं मिलती तो आप ग्रीन कार्ड हासिल कर लें जो आपको 3 साल के लिए इशू हो जाएगा और आप 3 साल के लिए डेनमार्क में रह सकेंगे जॉब करने के लिए। अगर आपको इन 3 साल में जॉब मिल जाती है तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर आप 3 साल वहां जॉब कर लेते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, और अगर आप वहां पीएचडी डिग्री कर लेते हैं तो भी आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। अच्छा, ये अब तक मेरे टॉपिक्स थे जिनको मैं कवर करना चाह रहा था, मे भी बहुत सी चीजें अंदर मिस हुई हों, वो भी क्वेश्चन आंसर तो भी हम सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें आप कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन अभी स्टूडेंट्स करेंगे जो रिलेटेड होंगे, क्या मैं इस डिग्री में इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं अपना सब मेरी फील्ड अपना है क्या मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए यूनिवर्सिटी जो डेनमार्क में 8 है तकरीबन, मैंने इसलिए वो फैकल्टीज बता दी थी, ये तमाम फैकल्टीज मौजूद हैं, हर तरह के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। आपकी कोई भी फील्ड है, आप जियो फिजिक्स से हैं, पेट्रोलियम से हैं, वेटरनरी से हैं, इंजीनियरिंग से, किसी भी फील्ड से हैं, आपको मिलेंगे। और जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं ये ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम्स पे अप्लाई होते हैं, लेकिन समटाइम्स इनकी जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं ये किसी यूनिवर्सिटी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने एसडीयू को इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया कि वहां कुछ ज्यादा मौजूद है, लेकिन डेफिनेटली वो ज्यादा जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है, वो सिर्फ एक स्नैप ऑफ कैंपस के लिए है, बाकी कैंपसेस में नहीं है। तो और ये बहुत अच्छा कैंपस है एसडीयू का, जो बेहतरीन बल्कि आप कह लेंगे डेनमार्क के जो मोस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं उनमें से एक कैंपस है सोनाबॉक कैंपस। तो इसलिए जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो तो मेरा ख्याल है आपको तमाम प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, किसी आप आओ उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको पेट्रोलियम से बहुत अच्छे रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, और इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटीज का आप प्रोग्राम्स चेक करें आपको हर तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मिलेंगे। और सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज हैं तो बहुत बड़ी सर्चिंग नहीं है, आप 8 यूनिवर्सिटीज में मास्टर प्रोग्राम सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से प्रोग्राम्स मौजूद हैं।
अरे एक मिनट और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुझे खुद भी अपने लेक्चर में भूल गया था, आप मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है एस्टोनिया के बारे में, अगर आप 5 मिनट, क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में, जी जी मुझे खुद भूल गया था ये, अच्छा अगर ठीक आप एक्सप्लेन करते है, हैं चलें और ये। ठीक है। अच्छा मुझे बता दें जी कि वो एस्टोनिया के बारे में भी मैं आपको बता दूं। हाँ जी, एस्टोनिया का भी मुझे एक्सपीरियंस है, और जब मैं डेनमार्क आया हूँ तो मेरे उस प्लानिंग्स में कहीं भी डेनमार्क मौजूद नहीं था, मेरे प्लानिंग्स में मुकम्मल तौर पर एस्टोनिया मौजूद था। और मैंने जितनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे, मैंने एस्टोनिया के लिए एक्चुअली प्रिपेयर किए थे, लेकिन एंड टाइम पर आकर ही मुझे पता लगा कि अच्छा यहाँ भी हो सकता है, मैं वहां चला गया। तो इसलिए मैं उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एस्टोनिया भी एक ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है एस्टोनिया भी। तो एक एस्टोनिया रिसेंटली आया यूरोपियन यूनियन में, मतलब कुछ बहुत ज्यादा अर्सा नहीं हुआ, और लेकिन जितनी स्टेट्स यूरोपियन यूनियन में एट अ लेटर स्टेज शामिल हुई हैं, तो उनमें एस्टोनिया वो कंट्री है जो मोस्ट आप कह लो डेवलप्ड है उन तमाम कंट्रीज में। एजुकेशन बहुत तेजी से वहां पर डेवलप हो रही है, जितनी वहां की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी तेजी से अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं। और उसमें यह है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी वहां मौजूद है कि वहां की जो इस वक्त तकरीबन 2 साल पहले पहले वहां पे इसी तरह से स्कॉलरशिप मौजूद है, लेकिन 2 साल पहले जो वहां की कैपिटल सिटी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मेरे जहन से नाम निकल गया है एस्टोनिया की, तो वहां पे ट्यूशन फीस जो है वो उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि वहां पे ट्यूशन फीस इस वक्त नहीं है, लिविंग के लिए भी वो एक स्कॉलरशिप दे रहे हैं जो तकरीबन 300 यूरो से करीब है। 300 यूरो आपको हो सकता है डेनमार्क में तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट फील हो, ज्यादा चल जाता है फिर भी, लेकिन वो थोड़ी सी अमाउंट है, लेकिन एस्टोनिया के लिए एक सफिशियंट अमाउंट है, क्योंकि एस्टोनिया यूरोपियन यूनियन का चीपेस्ट कंट्री है, तो वहां के लिए एक बड़ी सफिशियंट अमाउंट है एस्टोनियन के लिए 300 यूरो वहां पर गुजारा करने के लिए। और उसमें यह है कि उसका जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे आपको वो उसी तरह इंटरव्यू होगा, वहां पर भी 100 यूरो एप्लीकेशन फी होगी, लेकिन वो तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए होगी। और उसके बाद आपने जो है वो आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो आपने देन सेम इसी तरह आप अप्लाई। हाँ एक प्रॉब्लम आएगी कि पाकिस्तान में एस्टोनियन एम्बेसी नहीं है, तो हंगरी की जो एम्बेसी है वो डील करती है एस्टोनिया को, तो आप हंगरी की एम्बेसी से अपना रेजिडेंस परमिट वगैरह प्रोसेस करवा सकते हैं, और जो डिटेल में बाकी चीजें डॉक्यूमेंट्स बनने हैं वो आप एस्टोनिया पहुंच कर करवा सकते हैं। और बाकी वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, आप वहां पहुंच के अपने 2 सेमेस्टर जो है वो किसी और कंट्री में भी गुजार सकते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करना चाहिए। ये उनके लिए हो सकता है जिनके हो सकता है ग्रेड बहुत अच्छे नहीं है, तो वो भी इस स्कॉलरशिप और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, और इसको करना चाहिए। एस्टोनिया एस्टोनिया कंट्री है, आप उसको सर्च करेंगे, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन में शामिल है, ESTONIA एस्टोनिया। और ये जो स्काइप है, स्काइप एस्टोनिया के इन्वेंशन है, तो इसी तरह आईटी सेक्टर में एस्टोनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये भी वहीं के 2-3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बनाई थी। इस अलावा एक और कंपनी जो ऑटोडेस्क डिजाइन कंपनी, इंजीनियरिंग डिजाइन कंपनी अमेरिकन, उनके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ ग्रैब कैट के नाम से, अगर आप ग्रैब कैट वेबसाइट देखें तो। ये भी एस्टोनिया के 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कंपनी स्टेब्लिश की थी अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर, और अब वो ऑटोडेस्क के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं। तो मतलब एस्टोनिया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तानियों के लिए, और उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। वर्क अपॉर्चुनिटीज इसी तरह ही है जैसे डेनमार्क में है, इतनी इजीली तो आपको वर्क वहां भी नहीं मिलेगा, ज्यादा जितने यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं लैंग्वेज बैरियर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है, लेकिन डेफिनेटली मिल भी जाता है। और अगर वर्क आपको नहीं भी मिलता तो मेरे ख्याल में वहां आपको जो स्कॉलरशिप मिल रहा है 300 यूरो का, 300 यूरो सफिशियंट है एक स्टूडेंट के लिए एस्टोनिया में रहते हुए।
ख्याल में वो ऑर्डर वाइज शुरू करते हैं क्वेश्चंस के आंसर है। अच्छा ये मुझे ऑर्डर्स मैं भी जो ऊपर चला जाऊँ मतलब जहाँ से हाँ इसका हाँ पर स्टार्ट कीजिए, मैं वो बताता हूँ। चलें आप जिस जगह से भी स्टार्ट कीजिएगा वहां से नाम लेकर कि ये दो तीन क्वेश्चन इस रेंज में आ रहे हैं, तो आप वहां से देख लें जिनके स्टूडेंट्स के, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कहाँ से क्वेश्चन चाह रहे हैं। मतलब दो तीन लड़कों के नाम ले लीजिएगा जिनके क्वेश्चन पोस्ट हुए हैं, फिर फर्स्ट के आंसर करना शुरू कीजिएगा। ठीक है। अच्छा ये एक है अनश खान, आपने जो क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द स्कोप ऑफ, मुझे ये वर्ड नहीं समझ आया, ये आप इस्लामिक फाइनेंस लिखना चाह रहे हैं ये क्या लिखना चाह रहे हैं, अगर आप ये दोबारा टाइप करते हैं अपना क्वेश्चन तो मुझे समझ आ जाएगा। फिर मैनेजमेंट साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज में मैं ये समझता हूँ कि आपको कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल जो है उसको सर्च करना चाहिए, और चूंकि वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है डेनमार्क की, और वहां पर आपको कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि डेनमार्क में चूंकि स्कॉलरशिप्स को लिमिटेड किया गया है पिछले कुछ अर्से में कुछ रीजंस की वजह से और कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्टिल वहां पर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, लेकिन वो इस तरह ऑफर नहीं की जा रही होती। मतलब होता यह है कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं और आपका प्रोफाइल इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या इतना सेटिस्फैक्ट्री है कि जो आपका कोऑर्डिनेटर या प्रोफेसर है वो मतलब काफी इंस्पायर होते हैं आपका प्रोफाइल देखकर, आपके ग्रेड्स भी, आपका बिल्कुल वर्क एक्सपीरियंस, और आप जिस तरह अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत अहम चीज है डेनमार्क के लिए, आप लेटर ऑफ मोटिवेशन कितना अच्छा आपने प्रिपेयर करते हैं, और उन चीजों को देखते हुए अगर वो फील करता है कि अच्छा मैं आपको कुछ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी में आपको दे सकता हूं, तो वो आपको बता भी सकता है कि यहां से आप हम इतना स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं, या चले हम आपको लिविंग तो नहीं दे सकते लेकिन आपकी फीस हम वेव ऑफ कर देते हैं, तो ये चीज भी मुमकिन है। तो मैनेजमेंट साइंसेस के स्कॉलरशिप्स वैसे तो आपको हर प्रोग्राम तो आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल में तो मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है। जो रैंकिंग है वो तो आप टाइम रैंकिंग चेक कर लें डेनिश यूनिवर्सिटीज की, और उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं रैंकिंग क्यूज इंटरनेशनल रैंकिंग आई थिंक, और वहां पर आप देख सकते हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग। और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वो तो मैंने आपको बताया कि मैंने जितना प्रोग्राम किया है ये इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियर जो है वो ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट बिजनेस या इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, या अगर इन दोनों सिर्फ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है उसको अगर वो सिर्फ टारगेट करना चाहें तो फिर उनको एसडीयू के दूसरे कैंपसेस इंजीनियरिंग डीटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, आहुस यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज में भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, तो आपको ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन इन तमाम यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे। बायोमेडिसिन में एसबीयू में ऐसे कुछ स्कॉलरशिप्स नहीं है, अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम और हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई होता है तो वो तो आपको, लेकिन उसकी कोई फी एप्लीकेशन नहीं होती, वो आपके जो प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करता है, अगर आपके जो एडमिशन ऑफर करने वाले हैं वो आपसे इतने सेटिस्फाइड हैं तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि आपको क्या ऑफर कर रहे हैं स्कॉलरशिप, अदरवाइज आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का कोई मेथड नहीं है, और आप सिर्फ एप्लीकेशन जो एडमिशन के लिए सबमिट करेंगे, अगर आपको मिलना हुआ स्कॉलरशिप तो वो आपको दे देंगे। और अलग से जो स्कॉलरशिप है, जो दो स्कॉलरशिप मैंने बताया बी एच ए फाउंडेशन स्कॉलरशिप और 20 स्कॉलरशिप, वो सिर्फ एमएससी इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा जीपीए जो है वो इतना कोई बहुत हाई नहीं चाहिए, डेफिनेटली अच्छा ग्रेड होना चाहिए आपके जितने अच्छे ग्रेड्स हों, लेकिन अगर आपका कोई एवरेज भी है कोई अबाउट 65% मार्क्स हैं या 70% हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ इन चीजों को भी कंसिडर करना चाहिए कि आप मतलब एडमिशन तो आपको मिल जाएगा लेकिन वहां जाकर आपने मेहनत करनी है, पढ़ना है,
तमाम कोर्सेज को पास करना है या अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या मैं बैचलर में मैंने कुछ उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा तो क्या मैं इसको कवर कर सकूंगा, इसको पढ़ लूंगा, थोड़े अपनी स्किल्स को भी नॉर्मली कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत कंसेप्चुअल होता है, सरफेस वाला सिस्टम तो होता नहीं है, तो लेकिन इसलिए सिर्फ एडमिशन हो जाने को मैं बहुत बड़ी बात नहीं समझता। एडमिशन तो शायद मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद मैं भी मैं गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन जो बाद के फेजेस हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए एडमिशन देते हुए। और जीआरई के बारे में क्वेश्चन, मैंने देखा था जीआरई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ऑलमोस्ट पूरे यूरोपियन यूनियन में बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो जीआरई डिमांड करती हैं, बाकी जीआरई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्ट्स है, आर्ट्स जरूरी है, आर्ट्स 6.5 एकेडमिक होना चाहिए। एसडीओ में सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग आपको आउस यूनिवर्सिटी और डीटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क में ही मिलेगी। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया 7 सर्वर चीमा, इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला जो क्वेश्चन है इसको आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, ये किस चीज के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए? मेरे ख्याल है मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आप नहीं क्लियर तो फिर दोबारा थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन टाइप कर लें। अच्छा, पीएचडी एडमिशन जो है डेनमार्क में, अब्दुल्ला अहमद को क्वेश्चन है, पीएचडी के एडमिशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि जिससे आपको नॉर्मली पीएचडी के एडमिशन जो मैं दूसरी वेबसाइट कई दफा देखता हूँ और कंट्रीज में, वहां पे कुछ ऐसा होता है कि जिस तरह बैचलर या मास्टर ग्रेजुएट एडमिशन हो रहे होते हैं उसी तरह पीएचडी के एडमिशन हो रहे होते हैं, लेकिन डेनमार्क में आपको पीएचडी के एडमिशन एसटीयू में तो ऐसा नहीं मिलते, और बल्कि अक्सर यूनिवर्सिटी में आपको इस तरह नहीं मिलेंगे, हाउस यूनिवर्सिटी में भी इस तरह आपको पीएचडी के एडमिशन नहीं मिलेंगे। वहां पर पीएचडी के एडमिशन जो है आपको जब आप जाएंगे ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में या वैकेंट पोजीशंस पर, वहां आपको मिलेंगे पीएचडी के एडमिशन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डेनमार्क में पीएचडी एज फुल टाइम जॉब होती है, और जो पीएचडी स्टूडेंट होता है वो एक यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय कंसिडर हो रहा होता है, साथ साथ वो पीएचडी भी कर रहा होता है, तो वहां पर आपको यहाँ की वेबसाइट पर आपको पीएचडी एडमिशन सिर्फ जहां पर जॉब्स ऑफर हो रही हैं जिस पेज पर या यूनिवर्सिटी में जो जॉब्स अवेलेबल हैं वहां पर ही आपको मिलेंगे। मैं एक लिंक आपको यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ आपको मिल जाएंगे पीएचडी के एडमिशन जो पीएचडी की सीट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये मैंने एक लिंक पेस्ट किया है यहाँ पे, जो पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट के जो भी एडमिशन स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क के लिए उस पेज पे मिलेंगे। इसी तरह आप बाकी वेबसाइट्स को चेक कीजिएगा, बाकी यूनिवर्सिटीज के पोस्ट में भी आपको इसी तरह वैकेंट पोजिशंस पर आपको पीएचडी के एडमिशन मिलेंगे। इमरान अहसन, आपने वो जो मेरी डिस्क्रिप्शन थी उस जो स्टेटमेंट थी उसको टाइप किया है, उसके बाद आपने कहा है कि देन ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड स्कैन टू बी सबमिटेड अलोंग विद एडमिशन। हाँ जी, ऐसा ही है, आपने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा, ऐसा ही होगा, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और फिर स्कैन करके आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ को यूनिवर्सिटी को भेजवाने हैं। अच्छा,
अच्छा ठीक है, ये जो परमानेंट रेजिडेंस और लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं, विद इन यूनिवर्सिटी आपको किसी और लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, विद इन यूनिवर्सिटी हर चीज इंग्लिश में है, तमाम प्रोफेसर डॉक्यूमेंट्स लेक्चर हर चीज इंग्लिश में है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसको डिस्कस नहीं किया कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो डेनिश लैंग्वेज जो है वो आप फ्री सीख सकते हैं। वहां पहुंचने के 2 साल तक आप डेनिश लैंग्वेज स्कूल्स में फ्री जाकर सीख सकते हैं। उसके मॉड्यूल्स होते हैं 1, 2, 3, 4 और वे टोटली आप फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल आपको डेनमार्क आए, 2 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद आपको एक हैंडसम अमाउंट मंथली पे करना होती है डेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए। तो इसलिए इसका काउंटर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, आप उनसे ही डेनिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। और पीएचडी के बाद रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस इजीली मिल जाती है, कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ एक लैंग्वेज का होता है, लोग कहते हैं कि लेवल 1 जो है आप डेनिश लैंग्वेज का कर चुके हो, और उसके अलावा जो है आप वर्क एक्सपीरियंस वगैरह की कोई नहीं होगी। फंड्स का मेरा ख्याल है कि कुछ होगा, लेकिन मुझे श्योर नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस को मैंने अभी तक इतना डिटेल से नहीं देखा, लेकिन आप न्यू टू डेनमार्क की वेबसाइट पे आपको ये डिटेल्स भी मिल जाएंगी। लेकिन मेरी क्लास वालों है चाइना से, वो अभी परमानेंट, उसने सिर्फ बैचलर किया और अब वो परमानेंट रेजिडेंस ले रही है। उसकी रीजन ये है कि 3 साल से ज्यादा अरसा जो है वो डेनमार्क में गुजार लिया, तो परमानेंट रेजिडेंस ले रही है। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कोई फंड्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है, और वर्क एक्सपीरियंस की तो मुझे श्योर है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये कोई ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, 5-6 माह का अरसा लगता है, मैक्सिमम 5 माह का अरसा लगेगा परमानेंट रेजिडेंस मिलने में। लेकिन फर्क है परमानेंट रेजिडेंस में और सिटीजनशिप में। परमानेंट रेजिडेंस आपको अलाउ करती है कि आप हमेशा के लिए डेनमार्क जब भी चाहें आ सकते हैं, आपको कभी दोबारा वीजा वगैरह रेजिडेंस परमिट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिटीजनशिप जो आपको फर्दर कुछ फैसिलिटीज ऑफर करती है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और इस किस्म बहुत सी बेनिफिट्स हैं, वो आपको सिटीजनशिप मिलने पर मिलते हैं। वो फर्दर एक प्रोसेस है, लेकिन वो भी इट्स टाइम नहीं है, लेकिन वो भी बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आपको परमानेंट रेजिडेंस मिली हो तो आपको 1 से 2 साल के बाद जो है वो सिटीजनशिप भी मिल जाती है, वो भी बहुत ईजी है, जिसमें परमानेंट रेजिडेंस तो खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सिटीजनशिप भी इजीली मिल जाती है, बस उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्दर आ जाता है कि अब आपने 2 मॉड्यूल या शायद 3 मॉड्यूल लैंग्वेज के पास कर चुके हैं और इस किस्म के रिक्वायरमेंट्स। विश एंजल, इनका एक क्वेश्चन है कि सोशल एंड मैनेजमेंट साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज में तो आपको कुछ स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे, लेकिन सोशल साइंसेज में आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे डेनमार्क में स्कॉलरशिप्स। कोशिश कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको कोई मिला भी तो सिर्फ फीस वेव ऑफ होगी, लिविंग का एक्सपेक्टेड ये है कि नहीं मिलेगा। लेकिन साथ वर्क की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आप वर्क कर सकती हैं, और वहां पहुंचने पर आपको फिर पता लगेगा कि कई और भी स्कॉलरशिप्स होते हैं जो टाइम टू टाइम ऑफर हो रहे होते हैं, उनमें अगर आप ट्राई करें तो कोई ना कोई अमाउंट आपको मिलती रहती है और कुछ ना कुछ सिस्टम बन जाता है। पीएचडी अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च इंजन, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन 8 यूनिवर्सिटीज के जो वैकेंट पोजीशंस की के पेजेस हैं उनको टाइम टू टाइम देखते रहें। तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद नई पोजीशन उस पर आ जाती हैं, तो वो आप देखते रहें वहां पर। यह बेहतर है आप बजाय से किसी और सर्च इंजन को जाके देखें, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, 8 यूनिवर्सिटीज हैं और उसमें भी एक दो तो ऐसी होंगी जो आपकी आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होंगी। तो सिर्फ आपकी जो 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं उनके वैकेंट पोजिशन पर देखें, तो आपको पीएचडी में जो भी एडमिशन मिल रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है स्कॉलरशिप चूज करने के लिए। और मेरा ख्याल है ये जो बताया था इन्हें स्कॉलरशिप नेटवर्क का पेज सेटअप किया हुआ है, इससे बेहतर तो आपको कोई जगह नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप फाइंड आउट करने की। डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो पीएचडी के लिए नहीं है,
पीएचडी में जो भी एडमिशन मिलेगा, जिसको भी पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टूड बात है कि वो ऑन स्कॉलरशिप होगा। उसको 25,000 करोड़ जो है वो लास्ट में मिलने हैं। फर्स्ट ईयर में 25,000 करोड़, सेकंड ईयर में 27,000 और थर्ड ईयर में 29,000 जो उनको मिलने ही मिलने हैं। उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह की सोचने के बारे में कोई जरूरत नहीं है। अगर एडमिशन होता है पीएचडी में तो उसका मतलब है कि साथ स्कॉलरशिप लास्ट में मिल रहा है। अच्छा, पीएचडी जिन्होंने बाहर से किया हुआ है वो दूसरे कंट्री से, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मैंने कुछ चार पांच कंपनी का पहले नाम लिया, वो तो इसी सिटी में मौजूद है और जहाँ एसडीओ का इसोनाबाव कैंपस मौजूद है, लेकिन इसके अलावा डेनमार्क में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मौजूद है। मर्स्क का आपने नाम सुना हुआ होगा, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन। इसके अलावा नोवो नॉर्डिस्क मेडिसिन की कंपनी है, और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो डेनमार्क में काम कर रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में फॉरनर्स जो हैं वो आकर काम कर रहे हैं। अभी एक कोर्स में मेरे साथ एक इंडियन मेरे फेलो थे, क्लास फेलो, जो इंडिया से पीएचडी करके आए हैं आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इन्होंने अभी हमारे मास्टर का एक कोर्स हमारे साथ पढ़ा था, और डेनफॉस कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज रिसर्च ऑफिसर के तौर पर। और लकीली उनको डेनफॉस कंपनी ने खुद उनका प्रोफाइल देकर लिंक्डइन से उनको इंडिया में खुद उनसे कॉन्टेक्ट किया और उनसे इंटरव्यू किया और उनको जॉब ऑफर की। बहुत जबरदस्त किस्म की जॉब कर रहे हैं वो डेनफॉस में। तो इस तरह अपॉर्चुनिटीज जिनके पास पीएचडी डिग्री है वो तो बड़ी इजीली आ सकते हैं डेनमार्क में। पीएचडी डिग्री है तो ग्रीन कार्ड भी आपको बहुत इजीली मिल सकता है, सिंपली एक 1 मंथ में मिल जाएगा। लेकिन अपना डिसिप्लिन जरूर देखिएगा, कहीं आपका डिसिप्लिन कोई ऐसा तो नहीं कि आपको जॉब फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है डेनमार्क में आने के बाद। ऐसे भी केसेस ना मौजूद हैं। एमएस इंजीनियरिंग के लिए जीपीए मैंने आपको बताया कि आपका अगर 75% मार्क्स हैं तो आपके काफी चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, और हो सकता है स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट जो मैंने आपको बताया वो स्कॉलरशिप बीएचए फाउंडेशन जो लिविंग कॉस्ट को कवर करता है वो आपको शायद ना मिले, शायद ना मिले, मे भी मिल भी जाए। लेकिन अगर आपके वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देते हैं और आपके अच्छे ग्रेड आते हैं, कोऑर्डिनेटर भी आपसे सेटिस्फाइड है आपकी परफॉर्मेंस से, तो आपको वो सेकंड सेमेस्टर में बीएचए फाउंडेशन का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है अगर आप एसटीयू के एमएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। तो 2.64 मेरा ख्याल है आप ट्राई कर लेना चाहिए। देखें, एक चीज होती है कि आपको यूं भी तो नहीं मिल रहा, अगर आप ट्राई कर देखें, अगर 14,000 रुपीज तो आप रिस्क ले लें, फीस डिपॉजिट करवा दें, तो मे भी आपको एडमिशन मिल जाए। और मेरा ख्याल है कि ये जो आपको एडमिशन के आपने सबमिट करवाने हैं पैसे वगैरह, फीस सबमिट करवानी है, इससे पहले आपको फीस का जो है स्कॉलरशिप है वो तो आपको पहले पता चल चुका होगा कि फीस आपकी वेव ऑफ हो रही है कि नहीं। फीस के बारे में तो आप दिसंबर में एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे और 4 हफ्ते में आपको बता देंगे कि आपको हम स्कॉलरशिप फीस कब स्कॉलरशिप दे रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद आपको, और उसके लिए तो आपने कोई फीस सबमिट नहीं करवानी, तो ये तो आप चेक कर सकते हैं। और उम्मीद है मुझे कि शायद हो जाए। अगर आपके पास ग्रेड, आपका जीपीए कम है लेकिन आपके पास कुछ और एबिलिटीज हैं, कोई और आपने कोई काम किया होगा, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कोई और क्वालिफिकेशन है, मतलब किसी तरह, या एटलीस्ट आप अपने लेटर मोटिवेशन में अपने आप को थोड़ा मुनफरद बनाते हैं दूसरे लोगों से, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा, पेट्रोलियम और केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का जो है वो तो आहोस यूनिवर्सिटी पॉपुलर है इसके बारे में, और ये जियो फिजिक्स और पेट्रोलियम और इससे रिलेटेड जो भी है डिसिप्लिन, वहां पर काफी पाकिस्तानी हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़कर वहाँ आहोस यूनिवर्सिटी से फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, और उसके बाद उनको जॉब्स भी काफी मिल जाती हैं, क्योंकि ये नॉर्वे में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं
और मस्क को भी पेट्रोलियम से रिलेटेड लोगों की बहुत जरूरत होती है, शिपिंग लाइन है और भी बहुत से काम है उनके ऑफशोर, तो पेट्रोलियम से रिलेटेड लोगों की और तो भी के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं स्कैंडिनेविया में। सिर्फ डेनमार्क ही मैं नहीं कहूंगा, बाकी जो नॉर्वे या स्वीडन है वहां पर भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। PhD in DTU, अगेन वही चीज है, एडमिशन तो नहीं होगा DTU में, PhD का जॉब होगी, और जॉब में अगर आपको मिल जाती है तो तमाम जो 25,000 क्रोन आपको मिलेगा स्टाइपेंड के तौर पर पर मंथ, और लेकिन जॉब के लिए आपको सर्च करना होगा एक्चुअली जब आप DTU में PhD करना चाह रहे हैं। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो वही हैं जिसका नाम मैंने नाम आपको बताया, BHS स्कॉलरशिप, उसी में ही वो आप ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं फाइनेंशियली नीडी हूँ और इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो उन्हीं को ही मैं कहूँगा कि वही नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक इमरान हसन का है कि MSc इनोवेशन एंड बिजनेस में C++ जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर है, हाउ टफ इज इट। यही प्रॉब्लम मेरे लिए भी थी, मुझे मैथ प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा नहीं है, या मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है प्रोग्रामिंग में, लेकिन वहां पर ये एज कंपल्सरी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन उसमें कुछ इस तरह से है कि 10 ACTS का कोर्स है, मेजर कोर्स है, उसके दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होगा जो C++ और लिनक्स कवर कर रहा होगा और दूसरा पार्ट जो है वो एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम्स को कवर कर रहा होगा। बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं जो ये कोर्सेज पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें होगा ये मैकाट्रॉनिक्स MSc इंजीनियरिंग मैकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स और MSc इंजीनियरिंग MSc इनोवेशन एंड बिजनेस ये दोनों स्टूडेंट्स मिलकर ये कोर्स पढ़ेंगे, और ये इस कोर्स में कोई ग्रेडिंग नहीं है, ये कोर्स जो है ये पास फेल कोर्स है, मतलब आपने सिर्फ इस कोर्स को पास करना है, इसमें कोई ग्रेड्स हैं ही नहीं, और इसलिए कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग में इतने उनका खास इंटरेस्ट नहीं होता, ये वो फर्दर प्रोग्रामिंग करना ही नहीं चाह रहे होते, तो इसलिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी सी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई इतनी हर्डल नहीं होगी कि आप उसको पास ना कर पाए। लेकिन चूंकि वो मैंने स्टार्ट में ही अपने जो फैकल्टी के हेड है और वही है जो फैकल्टी के डीन है वहां पर वही ये कोर्स पढ़ाते हैं एजुकेशन, उनसे मैंने डिस्कस किया था कि मैं प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें, तो उन्होंने मुझे स्टार्ट में कहा था कि पास फेल कोर्स है और ग्रेडिंग नहीं है, तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है इस कोर्स को पास करना, तो इसलिए उसके बारे में मेरा कहा था कि आप परेशान ना हो। टोफल जो है वो भी वर्क करेगा और 6.5 के इक्विवेलेंट 6.5 के इक्विवेलेंट वो भी उसके ऊपर बनता है, वो आप अप्लाई सबमिट कर दें वो भी चलेगा। लैंग्वेज के बारे में बता चुके हैं, लैंग्वेज बैरियर जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जितने आप शॉप्स पे ऑफिस में कहीं भी जाएंगे तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसे कोई ना कोई शख्स जरूर आएगा जो उनसे इंग्लिश में बात करेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश बोलता है तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, डेनिश लैंग्वेज आप फ्री में सीख सकते हैं और वो भी आपकी विल पर है, अगर आप सीखना चाहें तो सीखें, और अगर आप सीख लेते हैं तो अच्छी बात है, आप ज्यादा इफेक्टिव वे में डेनिश कल्चर का को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और डेनमार्क के ग्रीन कार्ड के न्यू रूल्स जो हैं वो यही हैं कि पहले न्यू रूल्स मेरे ख्याल है ग्रीन कार्ड के तो नहीं है, परमानेंट रेजिडेंस के बारे में है, कि पहले ये था कि आप अगर डेनमार्क की परमानेंट रेजिडेंस ले रहे हैं तो आपको किसी और कंट्री की जो आपको पहले रेजिडेंस मौजूद है सिटीजनशिप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की, तो वो आपको कैंसिल करवाना होती है, लेकिन इस साल से आ गई है कि आप दोनों कंट्रीज की रेजिडेंस रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कहीं और से किसी और कंट्री से किया हो, मास्टर टेलीकॉम ने जर्मनी से किया हुआ, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, डिपेंड करता है
अगर तो आपका कोई रिसर्च से रिलेटेड कुछ प्रोफाइल है तो आप समझे कि आपका की एप्लीकेशन विद इन फ्यू डेज प्रोसेस हो जाएगी। तो मेरे जो दो तीन जानने वाले लोग हैं पाकिस्तान से, उनको PCSIR में एक्सपीरियंस है या कुछ रिसर्च प्रोफाइल है उनका रिसर्च से रिलेटेड, तो वो तो उनके विद इन 15 और 18 डेज उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है ग्रीन कार्ड की। और लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास MS डिग्री है तो आप इजीली वो प्रोसेस कर देंगे। और बिलखसूस अगर आप वो देखेंगे उनकी वेबसाइट पे, वहां पर है वो कैटेगरीज जो डिमांड में है, तो इंजीनियरिंग या मेडिकल या इस किस्म के जो डिसिप्लिन हैं वो इजीली उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो इमरान हसन पूछ रहे हैं कि पहले मैं फोटो कॉपी करवा लूँ और फिर उनको भी अटेस्ट करवाऊँ, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लें और उनको फिर स्कैन कर लें, उन्हीं की ही कलर कॉपीज कर लें और वो एक्सेप्टेड होंगी। अलग से फोटो कॉपीज करवा के फिर फोटो कॉपीज को अटेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं। तारे कालम जो है ये आपको अगेन सर्च करना होगा अपना रिलेटेड डिसिप्लिन इन 8 यूनिवर्सिटीज में। CBH को छोड़ दीजिएगा, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल को, बाकी 7 यूनिवर्सिटीज में सर्च कीजिएगा, आपको कोई मिल जाएगा अपना पैथोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, अगर आपने डिग्री पाकिस्तान से नहीं की और आप पाकिस्तानी हैं तो आपने अपनी डिग्री को बस वहां की यूनिवर्सिटी से ही जहां से आपने डिग्री की हुई है वहीं से वेरीफाई करवानी है, कि पाकिस्तान से वेरीफाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने करवाई हुई HSC से तो ठीक है, अदरवाइज तो HSC से वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज आपकी कोई मैटर नहीं करती, आपकी जितनी भी एज हो आप मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकती हैं, ना ही एज की कोई रिस्ट्रिक्शन PhD के लिए। एज के बारे में बहुत ये शबनम शहजाद पूछ रहे हैं, तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं करना। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो डेनफोस में जा सकते हैं डेनमार्क में, उसके अलावा लिनेट में जा सकते हैं, ग्रुनफोस में जा सकते हैं, किसी बहुत बहुत सी कंपनीज हैं, नोवो नॉर्डिस, एनर्जी सीमेंस के बहुत से प्लांट्स हैं, इन तमाम कंपनीज में जा सकते हैं। ACCA अनश खान, ACCA अकाउंट्स डेफिनेटली आप वो देखें जो न्यू टू डेनमार्क में ग्रीन कार्ड में आपको मिलेंगे ना हाईली डिमांडेड प्रोफाइल्स या जॉब कैटेगरीज, तो उसमें आप सर्च कर लें कि अगर आपसे रिलेटेड डिसिप्लिन वहां पर मौजूद है, उन्होंने एक लिस्ट बनाया डेनमार्क में जो इंजीनियरिंग मेडिकल और बहुत सी फील्ड्स से जो लोग मौजूद हैं, जो टेक्निकल फील्ड्स या बहुत सी फील्ड हैं, आप उनमें सर्च कीजिए कि क्या आपका डिसिप्लिन भी वहां मौजूद है। तो अगर वहां मौजूद है तो उसका मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे, और वहां मौजूद है तो उसका मतलब है कि उसकी जॉब्स भी डेफिनेटली मौजूद है। अच्छा, मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ कंपनीज के नाम, आप Danfoss, Danfoss, Linux, Noise, ये कुछ कंपनीज मेरे जहन में आ रही थी, सारी मैंने टाइप कर दी है, ये वहां की बेहतरीन कंपनीज हैं। अच्छा, ये ग्रेड कन्वर्जन के लिए जो है आप कह रहे हैं, तो ग्रेड कन्वर्जन के लिए आप
यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको कहती हैं फाइल दे देती हैं एक्सेल की, जो आप इस पर टाइप कर लें, और ग्रेड कन्वर्जन उसमें अगर आप वहां देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ कंट्रीज के नाम आ रहे होंगे और हर कंट्री के लिए अलग अलग एक्सेल की शीट मौजूद होती है, लेकिन पाकिस्तान का अगर वहां पे नाम मौजूद नहीं है तो आप उनको बताएंगे पाकिस्तान के यहाँ के लिए यहाँ पे लिस्ट नहीं है, तो फिर यूनिवर्सिटी खुद आपकी ग्रेड कन्वर्जन करेगी, वो आपको ग्रेड कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपसे भी आप यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको बार बार ईमेल करें बशर्त, और उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की ग्रेड कन्वर्जन की शीट नहीं है, तो वो आपको ग्रेड कन्वर्जन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कर लेंगे। अनिल शान पूछ रही है कि मैकेनिकल इंजीनियर दो को मास्टर और बी एस एस को देना, तो अगर आप पाकिस्तान में रहकर जॉब करना चाह रही हैं तो बी एस सफिशेंट है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रही हैं, अपना अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करना चाह रही हैं, थोड़ा रिसर्च में काम करना चाह रही हैं, तो बी एस के बाद फर्दर स्टडीज कर लेनी चाहिए। जो मेरे साथ जिनके अभी मैंने एग्जांपल दी, जो डेनफोर्स में आरएनडी स्पेशलिस्ट हैं संजीत इंडिया से, उनके अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो भी यही कहते हैं कि मैं 8 साल से डेनफोर्स में रिसर्च का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो कलीग्स जिन्होंने बी एस किया हुआ था इंडिया में, वो बहुत बड़े अहदों पर पहुंच चुके हैं, सीईओस बन चुके हैं, लेकिन मतलब वो कहते हैं कि मैं उस चीज को मैंने छोड़ दिया, मैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, अर्निंग भी ज्यादा करता हूँ, लेकिन मतलब भी अब आपने खुद सोचना है पाकिस्तान में रहते हुए बी एस डिग्री सफिशेंट होती है, लेकिन जिन कंपनी से मैंने बताया ये जब हायर करते हैं इंजीनियर्स को तो ये मास्टर डिग्री डिमांड करती है। अच्छा, एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन डिपॉजिट करवाना होगी, उसके बगैर वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी, तो इसलिए ये बाद में आप नहीं दे सकते, एप्लीकेशन के वक्त ही आपने एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करवानी है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में ये जॉन का क्वेश्चन है, मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ उसके, उसमें यही होगा कि आपने ऑनलाइन तमाम यूनिवर्सिटीज का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, वेबसाइट पे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फीस डिपॉजिट करवाएंगे ऑनलाइन, और उसके बाद आपने जो है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर अपलोड करने हैं वेबसाइट पर ही, और देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। स्वीडन के लिए भी ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर्स हैं, फिनलैंड के बारे में मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिनलैंड के प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं, फिनलैंड में अभी भी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जो फीस चार्ज नहीं करती नॉन यूरोपियन सिटीजन से, तो बाकी जो उनके मैटर्स हैं वो उसके बारे में मुझे इतना डिटेल से नहीं पता कि वो आपसे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं या नहीं लेते या क्या उनके तरीके हैं। स्वीडन का ऑलमोस्ट यही है जो डेनमार्क का प्रोसीजर है। हाँ जी शेंजन आप लोगों को मिलेगा, ये जब आपको डेनमार्क की रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा तो वो शेंजन वीसा भी उसी में शामिल है, आप अपने दुबई स्टे के दौरान पूरे यूरोप को विजिट कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, स्टडीज इन डेनमार्क का लिंक जो है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, वहां पर भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्टडी इन डेनमार्क का वेब लिंक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टडीज के बारे में। पीसी से बीएससी इंजीनियरिंग की रजिस्ट्रेशन की जरूरत डेनमार्क को नहीं है, अगर आपने की हुई है तो अच्छी बात है,
बल्कि पीसी से आप वो डिग्री को वेरीफाई नहीं करवाते, आपको उससे रजिस्ट्रेशन जैसे लेते हैं, तो लेकिन उसे रजिस्ट्रेशन की भी डेनमार्क को जरूरत नहीं है, जो आपने सिर्फ अपने लिए ही करवानी है तो करवा लें। एडमिशन जो है वो अभी ओपन होंगे जनवरी के मंथ में, दिसंबर के एंड पे एडमिशन ओपन हो जाएंगे, जनवरी फरवरी की डेडलाइंस होंगी तमाम यूनिवर्सिटीज की, तमाम आर्ट यूनिवर्सिटीज की। एसडीओ की मैंने आपको बता दिया कि 1 फरवरी होगी, लेकिन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जो है वो दिसंबर के मंथ में सबमिट हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि दिसंबर में, दिसंबर के 1 वीक से एडमिशन एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये शबनम शहजाद का क्वेश्चन है कि मीडियम ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स, तो वहां पर इस तरह है कि स्कूल्स को तमाम जो है वो डैनिश लैंग्वेज नहीं है और बच्चे जो डैनिश लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमिग्रेंट्स के डेनमार्क में मौजूद है, तो उनके लिए इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद हैं। हर शहर में बहुत कई इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं और इस्लामाबाद में भी 5-6 इंटरनेशनल स्कूल हैं। इसी तरह हर शहर में इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद हैं जहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों के लिए। वहां पे तमाम कंट्रीज के जो बच्चे हैं, इंडियन, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री से आए हुए बच्चे हैं वो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं और वहाँ मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो इंग्लिश है। अच्छा, पोलैंड से अगर आपने कुछ कोर्सेज अपने किए हुए हैं और बाकी आप डेनमार्क में आना चाह रहे हैं, तो ये आप, आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना होगा कि क्या वो आपके जो सीटीएसएस आपने वहाँ कंप्लीट किए हुए हैं वो आपको एक्सेप्ट करते हैं या डेनमार्क के लिए या नहीं। और डेफिनेटली आपसे रिलेटेड कोर्सेज ही आपने पढ़े हुए होने चाहिए, जो प्रोग्राम आप डेनमार्क में पढ़ रहे हैं, यही कोर्सेज आपने वहाँ पढ़े हो, तो फिर आपको इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे और स्टडी बोर्ड अप्रूवल देगा कि क्या वो ECTS आपके अप्रूव होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फॉर डेनमार्क, इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि आप एज एक्सचेंज, आप मेरे ख्याल एक्सचेंज स्टूडेंट को पूछना चाह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तानी होते हुए एज एक्सचेंज स्टूडेंट वहां अप्लाई कर सकते हैं। वकार भाई आपको बेहतर बता सकते हैं क्योंकि अभी इस साल से जो एरास्मस का एक शुरू हुआ है सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए एज एक्सचेंज स्टूडेंट, मुझे कुछ डिटेल्स उसकी नहीं मालूम, लेकिन वो आपको बकार भाई बता सकते हैं कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पूछ रहे हैं जी, वो पूछ रहे थे कि फोर्थ ईयर कैन वी अप्लाई इन फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फॉर डेनमार्क। हम मास्टर्स के लिए मतलब 4 साल बीएड का होगा, तो कितना टाइम वर्क, मेरे ख्याल में टाइम फ्रेम कितना चाहिए उस एप्लीकेशन के? ग्रेजुएशन तो 2 साल, ग्रेजुएशन तो 2 साल के लिए। नहीं, मैं, मुझे इतना लगा जितना वो पूछ रहे कि हम लास्ट ईयर में तो अप्लाई करें, मतलब कितना। अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी मैंने गलत पिक किया क्वेश्चन। अच्छा, ये जॉन का क्वेश्चन है ये, सॉरी मुझे सही ठीक से मैं पिक नहीं कर सका क्वेश्चन को। अच्छा, आप पूछना चाह रहे हैं कि हम कैन वी अप्लाई फॉर फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। हाँ, डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब आप, अगर आप फोर्थ ईयर में हैं तो इसका मतलब है कि आप मार्च, अप्रैल या मई 2015 तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो सकती है, वो आपको डेडलाइन दे देंगे, आपका एडमिशन तो हो जाएगा, कंडीशनल एडमिशन लेटर भी आपको भेज देंगे, लेकिन आपको वो साथ जो एडमिशन लेटर होगा उस पर कंडीशन सब मेंशन भी होगी कि इस डेट तक आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपका ये एडमिशन फाइनल होगा। तो आप अगर समझते हैं कि मई 2015 तक आपकी डिग्री हो सकती है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ताहिर बेग का जो क्वेश्चन है कि
पाकिस्तानी कम्युनिटी डेनमार्क में, वहां पर काफी तादाद में पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं कोपेनहेगन में, तकरीबन 26,000 पाकिस्तानी कोपेनहेगन में मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन ये जिस कैंपस की मैंने ज्यादा डिस्कस किया इस सिटी में नहीं है ज्यादा, यहाँ से 5-6 फैमिलीज रहती हैं पाकिस्तानी। और जो ओडेंसे या ओनसे सिटी है वहां पर काफी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, लेकिन बाकी सिटीज में कुछ कम है। और लिविंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे रेसिज्म वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कोई ऐसे, और कोई मतलब एक अच्छा हेल्दी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं जिसको डिस्कस करना जरूरी है। अच्छा, मैंने पहले ही बताया उमर खान साहब को कि जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन होगी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए होगी, हर स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और हर एक की अलग फीस होगी एडमिशन एप्लीकेशन की। अच्छा अब्बास उमर, आपने आप एक्सचेंज के तौर पर आना चाह रहे हैं डेनमार्क में, तो ये तो जब आप वहां आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको बताएगी कि उनका कोलेबोरेशन किन किन यूनिवर्सिटीज के साथ है, पार्टनर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और आप कहाँ कहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, तो ये तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको बेहतर गाइड कर सकती है, आपका इंटरनेशनल ऑफिस। मैं ये चाहूंगा कि आप बस ये हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होना, इनको काइंडली वो डोरा स्कॉलरशिप के बारे में भी बस बता थोड़ा सा, क्योंकि मैं कराऊँ एस्टोनिया का अक्सर तो नहीं पता कि फ्री एजुकेशन है, तो ये अभी कर लें थोड़ा सा, मतलब डोरा स्कॉलरशिप जो है स्पेशली। अच्छा हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा बुकार में वो डोरा 9 स्कॉलरशिप कह रहे हैं एस्टोनिया में ऑफर होता है, तो उसका ये है प्रोसीजर के ये स्कॉलरशिप है ये 2012 से स्टार्ट हुआ है एस्टोनियन यूनिवर्सिटीज में, और इसमें गिव्स मास्टर स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है। मास्टर में और पीएचडी मास्टर में ये स्कॉलरशिप की वैल्यू तकरीबन 300 यूरो है, 290 यूरो एग्जैक्टली, और पीएचडी में ये कुछ ज्यादा है शायद 400 यूरो है। और जिससे मैंने पहले भी बताया कि एस्टोनिया चूंकि एक बहुत चीप कंट्री है लिविंग कॉस्ट के हवाले से, तो ये 300 यूरो एस्टोनिया के लिए सफिशेंट है। और उसके अलावा यह है कि इसमें कोई आपको एप्लीकेशन अलग से सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होती, आप एडमिशन के लिए ही अप्लाई करते हैं और साथ ही आप ये मेंशन कर देते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप भी चाहिए। लेकिन अगेन स्कॉलरशिप में भी वही प्रॉब्लम आएगी कि ये स्कॉलरशिप आपको वहां पहुंचने पर कंफर्म होगा, आपको पाकिस्तान में रहते हुए कंफर्म नहीं हो सकता। और मुझे भी यही इशू था, मैंने 2-3 दफा इसके बारे में पूछा, लेकिन वो कहते थे कि आपको यहाँ आने पर ही पता लगेगा कि आपको ये मिलेगा या नहीं। लेकिन उनका ये कहना था कि हमारे जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल मास्टर स्टूडेंट्स, उनको ये स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो फीस तो एस्टोनिया में नहीं है, और ये जो डोरा 9 स्कॉलरशिप है ये आपको वहां पहुंचने पर कंफर्म होगा, और अगर ये मिल जाता है तो ये 300 यूरो होगा और ये आपकी लिविंग कॉस्ट को कवर करेगा विद इन एस्टोनिया। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे खाने पीने का, कोई मसला नहीं है, आपको हलाल फूड इजीली मिल जाएगा। अच्छा ये मेरा ईमेल आईडी कह रहे हैं, मैं ये टाइप कर रहा हूँ अपना ईमेल आईडी, इस पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फोन नंबर भी वहां पर टाइप कर रहा हूँ। नाज
डेफिनेटली आप वहाँ रह सकते हैं, डेफिनेटली आप रह सकते हैं वहां पर। और मेरी क्लास फेलो थी लास्ट सेमेस्टर में, वो आइसलैंड से थी, उनकी भी दो बेटियां थी, तो इस तरह रहा जा सकता है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और डेफिनेटली फैमिली को तो आप ला सकते हैं अपने साथ, अगर जो स्पाउस हों और बच्चे हों वो भी साथ आ सकते हैं। एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन जो है वो बच्चों की भी फ्री है, और नॉन यूरोपियंस को यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ते हुए पे करना होता है, बाकी स्कूल जो है वो फ्री है, उनकी कोई फीस नहीं है। फैमिली कहाँ रहेगी, फैमिली का ऐसा है कि थोड़ी सी डेनमार्क में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो कहते हैं कि एक सर्टेन एरिया उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर इस एरिया का पार्टनर भी हरवान है तो उसमें सिर्फ एक शख्स रह सकता है, एक से ज्यादा लोग हैं तो वो फिर इतना एरिया होना चाहिए। तो वन रूम अपार्टमेंट में वाइफ एंड हस्बैंड तो रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो अलाउ नहीं करेंगे। इससे ज्यादा अगर रहना चाहें तो फिर अपार्टमेंट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तकरीबन 35 मीटर स्क्वायर से बड़ा अपार्टमेंट हो तो फिर उसमें एक फैमिली रह सकती है, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट रहने में। और पेरेंट्स जो हैं वो इसी तरह सिंपल प्रोसीजर के जरिए तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको भी डेफिनेटली ईजी हो जाएगा लाना, आप उनको भी बुला सकते हैं। लेकिन जो सिंपल प्रोसीजर है उसमें यही है कि आप अपने वाइफ को और बच्चों को ला सकते हैं स्टूडेंट वहां रहते हुए। इस्लामिक स्टडीज फॉर चिल्ड्रन जो है वो तो मेरा ख्याल है कि आपको स्कूल तो ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस्लामिक स्कूल्स हों, लेकिन यह है कि वो आप पेरेंट्स खुद उनको बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दे सकते हैं, वहां पर भी देते हैं। और जो स्कूल्स मिलेंगे वो तो इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे, लेकिन डेफिनेटली वहां पर तमाम मुस्लिम्स बहुत बड़ी तादाद में रह रहे हैं, और बहुत से कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से, इराक, ईरान, फलस्तीन, इन सब कंट्रीज की मुस्लिम फैमिलीज रह रही हैं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए आप तो वहाँ इजीली अपने बच्चों को एजुकेट करवा सकते हैं। हाँ जी, डेनिश अगर आप किसी पर्सन से शादी करते हैं तो आपको रेजिडेंस परमिट में मेरे ख्याल कुछ आसानी हो जाएगी। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन हाँ जी, ये मेरे ख्याल बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल कुछ आसानी हो जाएगी अगर आप किसी डेनिश पर्सन से शादी कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपके अपार्टमेंट जो है ना वो 35 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आपकी फैमिली वहां रह सकती है, 35 मीटर स्क्वायर की लिमिट है। अगर इससे छोटा है तो सिर्फ हामद बीबी तो वो कुछ अरसे के लिए कह देंगे कि ठीक है रह लें, लेकिन इससे बड़ी फैमिली या बच्चे हैं तो फिर वो 35 मीटर स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए अपार्टमेंट। सिंगल पर्सन की जो कॉस्ट है वो 3000 क्रोन एटलीस्ट मिनिमम जो है वो आपको 3000 क्रोन आपके पास होने चाहिए मंथली, और इससे ज्यादा अगर आपको, और वो फिर आपके लिविंग आप स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपका लिविंग स्टाइल क्या है, और उस पर आप ज्यादा भी हो सकती है कॉस्ट, लेकिन एटलीस्ट 3000 क्रोन। अली हम अब स्टॉप करना चाहेंगे ये सेशन अपना, क्योंकि अगला सेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला 5 मिनट के अंदर, तो चलो ठीक है एंड करना चाहेंगे। थैंक यू अली सो मच, अली बल्कि अभी पाकिस्तान पहुंचे हैं कल ही और इन्होंने टाइम दिया पाकिस्तान से हमें, वरना मैं सोचा शायद ये होंगे, लेकिन इन्होंने बहरहाल ये इन्होंने अपने वक्त निकाला और पाकिस्तान आके टाइम दिया, और थैंक यू सो मच। और जो है आप ईमेल कर सकते हैं या ग्रुप पे लिख सकते हैं, हम इनको टैग के ऊपर भी, और इनसे जो भी क्वेरीज हों, क्वाइट नाइस लेक्चर। थैंक यू अली सो मच और अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा अभी स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट में, लिंक ग्रुप के हैं और भाई ये का पिक्चर है और बिजनेस प्लान के बारे में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।